record. Yes. So, Goldilocks principle says always use the right condition at the right speed at the right temperature. मतलब एकदम appropriate content आपको design करना है. तो कौन कौन से point रखेंगे हम इसमें? Just the right condition क्या कहता है कि अपनी audience का आप well research कीजिए. कभी भी ऐसा content नहीं बनाना जो किसी भी audience के काम का नहीं हो. और जब भी आप generalized content बनाएंगे तो वो जनरलाइज ही हो जाएगा, वो कभी भी प्रॉपर ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा. अगर हम बच्चों के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं तो वो बच्चों के मतलब का होना चाहिए. अगर हम मिडिल एज के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं तो वो उनके हिसाब का होना चाहिए. अगर आप थोड़े एल्डरली के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं तो वो उनके मतलब का होना चाहिए. राइट, लाइक इन इंडिया नॉर्मली एल्डरली पीपल लाइक टू वॉच व्हाट कंटेंट. जो लर्नर्स नहीं है, नॉर्मल जो लोग होते हैं, वो दो ही चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं. एक तो उनको लेटेस्ट न्यूज या न्यूज की इंटरेस्ट होता है, या फिर उनको थोड़ा बहुत आध्यात्मिक नॉलेज चाहिए होता है. यही सब होता है. जो 55 प्लस का सेक्शन है उनकी बात कर रही हूँ, जनरल ऑडियंस ऑफ इंडिया, उनको यही सब चाहिए होता है. या तो वो भक्ति भाव वाला कंटेंट देखेंगे या फिर वो न्यूज देखेंगे. उनको ज्यादा कि आजकल कौन सा हीरो क्या कर रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, नॉर्मली लोगों को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनके लिए उस टाइप का कंटेंट रहता है. अब जो लोग बिजनेस न्यूज देखना चाहते हैं उनके लिए बिजनेस वाली चीजें रहेंगी. जो लोग नॉर्मल न्यूज देखना चाहते हैं उनके लिए वो वाली चीज रहेंगी. मिडिल एज कंटेंट मतलब हमारा जो नॉर्मली ट्रेनर्स लोगों का क्या होता है मिडिल एज कंटेंट, कि कॉलेज जो लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, और जो मतलब अभी 40s तक पहुंचे हैं. हम लोग नॉर्मली उनके ऊपर फोकस करते हैं. उससे ज्यादा अब जो ऑडियंस है वो बहुत कम है जो लर्निंग में इंटरेस्ट है. लेकिन जो लोग होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, वो बेस्ट लर्नर्स हैं, वो हर चीज फोकस के साथ करते हैं. लेकिन ऐसे लोग नॉर्मली कम होते हैं, है ना, कम होते हैं ऐसे. लेकिन जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं नॉलेज में. तो आपको वेल रिसर्च करना है, मेरी ऑडियंस कौन सी है, वो कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, कौन से डर हैं जो उन्हें सताते हैं, और कौन से चैलेंजेस हैं जो उनके लिए ऑब्स्टैकल बने हुए हैं उनकी ग्रोथ जर्नी में. आपको उन्हीं चीजों पे फोकस करके कंटेंट ढूंढना है. मतलब उनकी प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, उनके फियर्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, यही चीजों पे फोकस करके हम जो है कंटेंट ढूंढेंगे, मतलब क्वेश्चन ढूंढेंगे, और उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में हम अपना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उनको. राइट, लाइक निधि मैम वर्क्स ऑन रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स की बात करते हैं. तो प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं, झगड़े क्यों होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होती हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, फैमिली के साथ कैसे रिलेशन बनाए जाए, बच्चों के साथ कैसे अच्छे से रिलेशन बना के रखा जाए, एज अ हस्बैंड वाइफ उनके कम्युनिकेशन कैसा रहना चाहिए. तो ये उनकी प्रॉब्लम्स और उनके चैलेंजेस है, वो उस पर काम करती हैं. अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा है या कम्युनिकेशन की बात कर रहा है तो हम उसमें पूछेंगे भी लोगों को स्टेज फियर है तो वो क्यों है. अगर उनको क्राफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कंटेंट कहाँ से ढूंढना है, ओपनिंग कैसे करनी है स्पीच की, उसके लिए कौन से पॉइंट्स होते हैं, कितने ज्यादा पॉइंट्स आपको यूज करने हैं, कितने नहीं करने हैं, बॉडी लैंग्वेज एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उस पर कैसे काम करना है. मतलब नंबर ऑफ थिंग्स जो हम अभी तक समझते आ रहे हैं वो सब चीजें प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं. तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में? गिव मी अ वैलिड आंसर. कौन अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए काम कर रहा है फिलहाल? एनीबडी कैन गिव मी दिस आंसर? ओके, अमित जी काम कर रहे हैं. यस अमित जी, शेयर योर एक्सपीरियंस. थैंक यू ओम श्रीवास्तव सर. आई वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस ऑल्सो. वेरी गुड इवनिंग सर. यस मैम, मैं अपनी ऑडियंस के लिए काम कर रहा हूँ. मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड जो कस्टमर चाहिए होते हैं या ऑडियंस चाहिए होते हैं, मैं उसके लिए फेसबुक, इंस्टा और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कलेक्ट करता हूँ और अपना प्रमोशन मतलब ग्रुप बना करके उन लोगों को प्रमोट करता हूँ अपना प्रोडक्ट. मतलब कौन सा एज ग्रुप है जिसको आप टारगेट करते हैं और उनको कैसा कंटेंट डिलीवर करते हैं? आफ्टर 18 और बिफोर 65, इतने के बिटवीन में मैं रहता हूँ और वो सारे कस्टमर मैं टारगेट करता हूँ, यंगेस्ट को और थोड़ा सा जो पेंशनर है उनको. ओके, यहाँ से मेरा बिजनेस ग्रोथ. 18 से 65 का पूरा एज ग्रुप? यस मैम. Okay, that's good. And anyone else? Yes, नीलिमा जी, आप भी योगा के लिए काम करती हैं तो आपकी ऑडियंस कौन सी है, क्या आपको पता है? ज्यादातर लोग वेट लॉस, बेली कम करना, वेट लॉस, बेली फैट कम करना. ओके, सो यू डोंट वर्क ऑन कि लोगों को जैसे पोस्चर रिलेटेड या फिर बोन्स की पेन्स वगैरह भी होती हैं, वो भी योगा से सॉर्ट आउट की जा सकती हैं. yes, आप काम में वो भी करते हैं, मतलब yes, वही मिडिल एज सेक्शन जो है ऑब्वियसली yes, उन्हीं का थोड़ा सा belly वाला प्रॉब्लम और पेन्स वाला प्रॉब्लम 35 to 55 तक ज्यादा होते हैं. राइट, ओके ग्रेट. यस निधि मैम. मैम मेरी तो मैंने आपको मैसेज भी किया था. जी, तो मैं आपसे बात करने वाली थी. आज थोड़ा सा मेरा इश्यू था, मेरा कुछ आज मेजर करना मेरे से बात. आई वाज अंडर सर्वाइकल अटैक, आज बहुत ज्यादा पेन में थी मैं. आप थोड़ा ठीक है तो आई सॉर्टेड की रिंग सेशन नहीं मिस करना हो तो लेना ही है. बिल्कुल, तो आई एम हियर नाउ. बट कल मैं आपसे आपसे भी और शरून मैम का भी कोई क्वेरी आया ग्रुप में या मुझे पर्सनल में आया, दोनों से मैं कल जरूर से बात करूंगी. जी मैम, मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, आपको पता ही है, तो वहां पर एनालिटिक आता है, तो वहां पर जो तो मेरे पास एज जो ज्यादा होती है वो लेडीज की और जेंट्स की दोनों की सेम होती है. वैसे तो मतलब दोनों ही देखते हैं वीडियो तो, लेकिन 25 से 40 साल तक के लोग ज्यादा देखते हैं. तो 25 से 40 साल तक के ऑब्वियसली 25 साल वालों की जिनकी न्यू वेडिंग हुई है वो थोड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, और 40 के बाद वालों को तो सब कुछ वैसे ही सॉर्टेड हो जाता है, आदत हो जाती है उनको, प्रॉब्लम नहीं मैम आदत नहीं होती, हैंडल करना आ जाता है, हाँ सिचुएशंस को इतने टाइम के बाद. कई लोगों को आ जाता है, कई लोगों को उसके बाद प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, ऐसे भी लोग होते हैं. राइट, ऐसे भी लोग होते हैं. यस यस, हाँ, लेकिन वो कम है, लेकिन एनालिटिक के हिसाब से तो वही लोग देखते हैं. यस, सो हमें अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढना है, समझना है लेडीज है, जेंट्स है, कौन से एज ग्रुप के हैं और उनकी एग्जैक्ट चैलेंजेस क्या है. यस डॉक्टर रोहित थापर. हाँ यस, नमस्ते मैडम. नमस्कार सर. जी नमस्कार. हाँ हमारे पास तो मैडम टारगेट ऑडियंस, मैंने क्योंकि ट्रीटमेंट भी कराते तो सभी तरह के हैं, मैंने एक महीने से लेके 80-90 साल तक के लोग आते हैं. अब आप इसमें बताएं कैसे हमें टारगेट इसमें कस्टमाइज करना है. देखिए सर, नॉर्मली अगर एज अ ट्रेनर या जो भी आपको काम करना है, आकाश सर ज्यादा अच्छे से वैसे गाइड कर पाएंगे, लेकिन हमारा कहना ही होता है ऑडियंस वो होती है जो आपको पे कर सकती है, उसको टारगेट करना चाहिए. उन्हीं के बच्चे हैं वो अपने, मतलब पे तो आपको पेरेंट्स करेंगे ना जो बच्चों को लेके आएंगे, और एल्डरली लोगों के लिए भी वही पे करेंगे जो अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे. नॉर्मली टारगेट ऑडियंस वो होती है. यस आकाश सर. सर आपने 120 साल 130 साल बोला है? नहीं, एक महीने से लेके 80-90 साल तक के. नहीं, आपने 80-90 120 साल भी बोला है? नहीं सर, 120 तो नहीं बोला, 80-90 ही बोला. 80-90 रिकॉर्डिंग चालू है, मैं क्रॉस चेक करूंगा. मेरे कान तो ठीक है ना? देख लीजिएगा, गलत होगा जी, गलत होगा तो हम सुधार कर लेंगे, और कान गड़बड़ होगा तो उसकी दवाई कर देंगे. अरे वाह, दोनों सॉल्यूशन है रोहित थापड़ के पास में. जी, दोनों सॉल्यूशन. सो किसका प्रेजेंटेशन है तृप्ति मैम आज? आज सर अमित शर्मा जी का प्रेजेंटेशन है एंड शेखर बिहारी जी का प्रेजेंटेशन है. पीपीटी मेरे पास अनूप किशोर सर की भी आ गई है, ओम श्रीवास्तव सर की भी आ गई थी, पर सर को थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए था तो अभी उनका नहीं हो पाया, नेक्स्ट वीक रहेगा सर का. यस ओम सर, इफ यू आर कंफर्टेबल. बात तो मुझे लगता है कि कम से कम 40-50 मिनट से कम तो नहीं होगा. ठीक है, उनका अलग ही रखिए और फुल टाइम उनको दीजिएगा. बिल्कुल ठीक है. ओम श्रीवास्तव अगर रेडी हो गए तो कल परसों भी हम देखेंगे, अगर पॉसिबल रहेगा तो हम रख सकते होंगे. सर हम बात के लिए अनम्यूट करूँ मैं सर को? अनम्यूट कर लीजिए, अगर वो रेडी हो गए कल परसों के लिए तो फिर हम देखेंगे जी, क्योंकि हमको प्लेटफॉर्म पे उतारना है ट्रेनर्स को. सर मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, 2 दिन बाद लखनऊ पहुँचूंगा. ओके, मैं तृप्ति मैम को इन्फॉर्म कर दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट वीक पर ही होगा उमर श्रीवास्तव जी, डोंट वरी. थैंक यू सर, ग्रेट ग्रेट. सो आज किसका है? आज सर अमित मिश्रा सर का है एंड शेखर बिहारी सर का है. अमित मिश्रा और शेखर बिहारी सर का है, ठीक है. और अनुप किशोर भटनागर जी का नेक्स्ट वीक में रहेगा फिर? जी सर, उनकी आज ही पीपीटी आई है. ओके, ठीक है. सो अपकमिंग ट्रेनर्स कौन है मैं भी देखना चाहता हूँ, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, ताकि उनको वेबिनार सेलिंग के ऊपर में भी हम सपोर्ट दे पाए और वो भी अपना मोनेटाइज कर पाए, ट्रेनिंग कोचिंग के करियर में उतर पाए. यस, सो मैं भी देखना चाहता हूँ, देखूंगा बड़े ध्यान से, आज मैं गौर से समय निकाल के आज बैठा हूँ मैं. यस सर, थैंक यू सो मच. और कल मॉर्निंग में आना मत भूलिएगा, कल पहली फाइल स्टार्ट होने जा रही है। कितने लोग आए थे आज मॉर्निंग में? एंड्रेस करिए फास्ट। ओम श्रीवास्तव जी, निधि गर्ग मैम, यस, मोहित कक्कर, मुकुल गुप्ता, और कौन कौन आया था टाइप करके बताइए। मोहित कक्कर जी आए थे, यस, प्रियासा है। तो मॉर्निंग में आइए भाई। मॉर्निंग में प्रदीप सर ने मुझे उठा के बैठाल दिया है सेशन कंडक्ट करने के लिए, और मैं भी इंटरेस्ट ले रहा हूं अभी, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है इसलिए मैं आ रहा हूँ। द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियम माइंड जो बुक है, वो बुक को मैंने जिया है अपने लाइफ के अंदर में, और एक्चुअल में उससे रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं। यस, मैं काम कम करता हूँ, पैसा ज्यादा आता है मेरे पास में। वो बुक है हमारा सीक्रेट। जितना एफर्ट डालता हूँ उससे 10 गुना रिजल्ट मुझे मिलते हैं, क्योंकि उसके जो लॉज है, ये बुक को मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये बुक हमेशा मेरे साथ में रहती है। यस, और एक एक पेज को मैंने हो सकता है 10 बार 15 बार पढ़ा भी होगा, और उसको जिया भी है मैंने। सो मैं ये गारंटी देता हूँ, वो बुक रीडिंग जो है ना, अब बुक रीडिंग के अलावा केबीसी भी आ गया है, उसके अंदर में बुक एक्सप्लेनिंग भी आ गया है, और इसके साथ साथ मैंने जो एमएमआई को अटेंड किया है, टी हार्वेकर के 3 दिन के वर्कशॉप को, पेड वर्कशॉप है, ये बुक के ऊपर में ही आधारित है, या ये कहा जाए कि वर्कशॉप के ऊपर में ये बुक आधारित है। तो वो पूरा नॉलेज भी मैं शेयर करने वाला हूँ, ये जो रहेगा मॉर्निंग का सेशन उसमें। सो कितने लोग कल मॉर्निंग में आने वाले जो अभी तक के नहीं आए हैं? जो अभी तक के नहीं आए वो कौन कौन आने वाला है मॉर्निंग में? कल पहली फाइल चालू होने जा रही है, सो डोंट मिस। कल मॉर्निंग में 6 बजे से 8 बजे के बीच में रहेगा। यस, प्रतीक जी, राजेश जी, गगन सर, शकीर अली जी, Amita ma'am and Chandrakala ma'am have already attending, and Shravan sir has also raised his hand. और मैं पूरी पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिटी को देखना चाहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि स्पीकर्स कितने पावरफुल बन पाए। तृप्ति मल्होत्रा मैम ने सच में स्पीकर्स खड़े करे के मैं वो भी टेस्ट करने वाला हूँ कुछ ही दिनों के अंदर में, कि भाई इतनी मेहनत तो हुई है, लेकिन कौन कौन स्पीकर सच में अप टू द मार्क पहुँच पाया है। कितने लोग एग्जाम देने के लिए और एग्जाम से बढ़कर कंपटीशन देने के लिए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है? पब्लिक स्पीकिंग के अंदर में मैं प्लान कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन्स। आपके साथ के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको उनके साथ में कॉम्पीट करना होगा। एक अलग पैटर्न में हम काम करना चाहते हैं। आप रेडी है क्या सभी लोग? पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिटी और ट्रेनर कम्युनिटी के बीच में भी हम चैलेंज रखना चाहते हैं, कंपटीशन रखना चाहते हैं। क्या आप रेडी है पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिटी ट्रेनर कम्युनिटी को हराने के लिए? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? मुकुल जी, वीरम जी, राजेश जी, शरून मैम, प्रतीक जी, अमित मिश्रा जी, यस, एवरीवन इज रेडी। गगनजीत जी, आपका रिस्पांस नहीं आया है। सो पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिटी और ट्रेनर की जो कम्युनिटी है, आइए तृप्ति मैम, उनके बीच में हम कंपटीशन रन करते हैं आने वाले 1-2 वीक के अंदर में। ओके सर, नो प्रॉब्लम। इनको मौका देते हैं अपने आप को रेडी करने का। यस सर, यस। सो आज का जो परफॉर्मेंस है मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से यहाँ पर महारथी है पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिटी के, जो मंडे ट्यूसडे को होता है। उनका कंपटीशन होगा वेडनेसडे थर्सडे, और जो ट्रेनर के बैच के अंदर में पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ में। निधि गर्ग कहाँ पर है आप? ये मत बोलना दोनों जगहों पर हो। ट्रेनर में हो आप? ओके, ट्रेनर से कौन कौन है? यस सर, मैं रेडी हूँ, मैं दोनों तरफ से हूँ। दोनों नहीं, एक जगह से रहोगे। अगर ट्रेनर में हो तो आप वहीं पर ही हो। ओके, जहाँ पे आप रखोगे सर वही रहेंगे। निधि गर्ग इज फ्रॉम ट्रेनर। और कौन है ट्रेनर से? जल्दी से हाथ ऊपर करिए। ओके, ओम श्रीवास्तव इज हियर। और कौन है? चंद्रकला, डॉक्टर रोहित थापर, श्रवण बिश्नोई, चंद्रकला मानकर। से तो कोई नहीं जीत सकता, मैं खुद नहीं जीत सकता हूँ। रोहित थापर को हम कॉम्पिटिशन में रखेंगे ही नहीं, सब घबरा जाएंगे अदरवाइज उनसे। सो ये कॉम्पिटिशन सच में करने का हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के बंदे सच में क्या मजबूत है, उतने कॉम्पीट कर पाएंगे? आर यू रेडी? Yes sir, I am ready और मेरे participants भी ready हैं. Yes everyone, मुकुल सर, अनूप सर, नीलिमा मैम, वीरम टूडू जी, शरून जी, गगनदीप सर, शाकिर अली सर, and two of my participants are not here. वो बता के गए थे कि इस वीक थोड़ा सा इशू है, नहीं आ पाएंगे, पर कॉम्पिटिशन्स में उनको भी बुलाया जाएगा जरूर से. सो एक वीक का समय है आप लोगों के पास में, अगले वीक हम कंपटीशन चालू कर सकते हैं. बी रेडी फॉर दैट. पब्लिक स्पीकिंग पार्टिसिपेंट्स पूरी कम्युनिटी को चैलेंज देने के लिए हमारे T3P बैच के लोग भी आएंगे नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे को, और जो मैचेस होंगे वो हो सकता है वेडनेसडे को हो सकता है ट्यूसडे के दिन हो, मंडे के दिन तो नहीं रहेगा, लेकिन चांसेस रहेंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन रहने के लिए. सो शॉर्टलिस्ट कर लीजिए. आपके कम्युनिटी जो है पब्लिक स्पीकिंग की व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका, उसके बीच में आप एक दूसरे से बात करिए, तैयारी करिए, एक टीम बनाइए 5 लोगों की, 10 लोगों की. यस, ऐसा नहीं कि तृप्ति मैम ही आपके ऊपर में काम करेगी, आप खुद भी लीजिए वैसा कदम. अपने बीच में जो टीम है ग्रुप डिस्कशन करिए ग्रुप के अंदर में, और तैयार करिए अपनी टीम को, 5 से 10 लोगों की टीम को. नेक्स्ट वीक में कॉम्पिटिशन्स रहेंगे आपके. चैलेंज एक्सेप्टेड. टाइप इन द कमेंट बॉक्स CA फॉर चैलेंज एक्सेप्टेड. कम ऑन फास्ट. सब्जेक्ट क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा, वो सब कन्वे किया जाएगा गगनदीप सर, डोंट वरी, सब बताया जाएगा आपको. ओके मुझे तो यहाँ पर पूरी टीम दिख रही है. ओके सो लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर सुपर एक्साइटेड, आई कैन सी इन द कमेंट बॉक्स. यस तृप्ति मैम, इनको रेडी करना है हमको, और इनका ग्रोथ होगा, सभी का ग्रोथ होगा. एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा जिससे सबका ग्रोथ होगा. एक बात बोलना चाहता हूँ, पार्टिसिपेट जरूर करिएगा. हारना जीतना चलते रहेगा, लेकिन पार्टिसिपेट करोगे तो लड़ोगे, और लड़ोगे तो जीतोगे जरूर, आज नहीं तो कल. लेकिन आपके स्किल्स शार्प हो जाएंगे, इससे ये गारंटी देता हूँ मैं. मैम टीम बना दो. ठीक है मैम, अभी जो आपका पहले प्रेजेंटेशन जिसको मौका दिया है उनको दीजिए आप, क्योंकि अभी 8:30 बजे टीम भी बनाई जाएगी. टीम बना सकते हैं तृप्ति मैम. यस, टीम यहाँ की भी बनाना है और वहां की भी आपको ही बनाना है. राइट सर, मुझे ही बनाना है ऑब्वियसली. यहाँ पर एक वॉलंटियर देखेंगे हम जो सच में जिम्मेदारी निभा सकता है, उनको देंगे यहाँ पे आप टीम का जिम्मा, ताकि वो सबको साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, टाइम के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट रहे. ऐसा नहीं कि भाई नाम तो लिखा दिया है लेकिन सेशन में गायब है, तो पूरी पब्लिक स्पीकिंग की टीम हार जाएगी. यस राइट सर. अभी और भी क्या क्या रहेगा टीम कॉम्पिटिशन्स के अंदर में, वी विल डिस्कस. यस, आपको नेक्स्ट वीक में पूरा पता चलने वाला. रेडी हो जाइए, एक वीक का नहीं रहेगा, हो सकता है 2 से 3 वीक तक के चले कॉम्पिटिशन, बड़ा कॉम्पिटिशन रह सकता है. यस तृप्ति मैम, ओवर टू यू. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, सो मच. So yes, understanding the problems, fear and challenges of our audience, we have to curate our content effectively. Just the right condition, Goldilocks principle says. And second step is optimal challenge होना चाहिए. Optimal challenge का क्या मतलब है? अगर एक national level badminton player का match करवाया जाए एक 8 साल के बच्चे के साथ, तो उनको उसमें कुछ चैलेंज नजर आएगा? यस और नो? नो, ऑब्वियसली कोई चैलेंज उनको नजर नहीं आएगा. अच्छा, नेशनल लेवल के प्लेयर का और दूसरे उसी लेवल के प्लेयर का आपस में कंपटीशन हो, तो वो मैच कितने घंटे चलेगा? ऑलमोस्ट अनएंडिंग चलेगा, क्योंकि उसमें ऑप्टिमल चैलेंज है. दोनों तरफ जीतने के 100% चांसेस हैं, कोई भी जीत सकता है, तो हर एक अपना 100% डालेगा, वो चैलेंज एक ऑप्टिमल चैलेंज बन जाएगा. लेकिन पहला चैलेंज जिसमें 8 साल का बच्चा है, उसके खिलाफ नेशनल लेवल प्लेयर जीत रहा है, तो वो 8 साल के बच्चे के लिए वो चैलेंज बहुत मुश्किल है, और नेशनल लेवल प्लेयर के लिए वो चैलेंज बहुत आसान है. तो ऐसा चैलेंज इज नॉट इफेक्टिव. जैसा कि अभी पब्लिक स्पीकिंग का चैलेंज दिया गया है आपको, वो चैलेंज भी ऑप्टिमल चैलेंज होगा. दोनों तरफ की टीम्स बराबर की रहने वाली है हमारी, इन द टर्म्स ऑफ नंबर एंड इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ. तो दोनों ही चैलेंज ये ऑप्टिमल चैलेंज रहेगा और इसको करने में मुझे लगता है सबको बहुत मजा आएगा। तो ऐसा ही आपकी प्रेजेंटेशन, आपके वीडियो में क्या ऑप्टिमल चैलेंज मिल रहा है ऑडियंस को, उनके ब्रेन को क्या चैलेंज मिल रहा है, उनको कितनी क्यूरियोसिटी है उस चीज को जानने की जो आप बताना चाह रहे हैं। क्या वो आसान है चीज जो कहीं से भी मिल जाएगी या आप उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट डाल रहे हैं। लास्ट वीक आई हर्ड फ्रॉम सम पर्सन, आपको पता है अभी संदीप माहेश्वरी सर का एक सीरीज चल रहा है जिसमें वो अलग अलग लोगों को इनवाइट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट किया उन्होंने, वो मंथ में सिर्फ एक वीडियो डालते उनके कहने के मुताबिक, लेकिन वो वीडियो ऐसा होता है जिसकी सब लोग वेट करते हैं कि वो पर्टिकुलर वीडियो कब आएगा, बिकॉज वो उस एक टॉपिक के लिए यूट्यूब पे जितने सारे वीडियोस पड़े हैं वो सारे वीडियोस को स्टडी करते हैं। उन्होंने कौन से पॉइंट्स को कवर नहीं किया और वो बहुत जरूरी भी हैं, उन पॉइंट्स को ढूंढ के वो पॉइंट्स उठाते हैं, तभी उनके वीडियोस जो है उसकी लोग वेट करते हैं कि वो मंथ एंड हो गया, वो डेट आ गई, वीडियो कब आएगा, राइट। क्योंकि उनके लिए उसमें क्या होता है, स्कोप ऑफ लर्निंग। ऐसा कुछ नहीं है जो सब लोग बता रहे हैं, देयर इज समथिंग डिफरेंट, देयर इज समथिंग न्यू। या तो प्रेजेंटेशन का तरीका नया है या फिर जो पॉइंट शेयर किया जा रहा है वो नया है, वो पहले उन्होंने नहीं सुना है। द पर्सन इज क्यूरियस, एक चैलेंज है उसके अंदर कि मुझे कुछ नया सीखने को, कुछ नया जानने को मिलने वाला है, तभी उस वीडियो के लिए या उस स्क्रिप्ट के लिए, उस प्रेजेंटेशन के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है हमें। लाइक यू वेट फॉर द सेशंस कि नेक्स्ट सेशन किस चीज का रहने वाला है, उसमें हमें क्या मिलने वाला है। दैट वे 8 बजे सब लोग अपना काम सब लेके तैयार होके लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं, यस आज कुछ नया मैं सीखने के लिए आने वाला हूँ, बिकॉज देयर इज अ स्कोप फॉर लर्निंग व्हेन यू अटेंड दीस सेशंस, आई गेस। ऐसा ही आपको एक चैलेंज अपने ऑडियंस के माइंड में क्रिएट करना है कि वो लोग भी रेडी होने चाहिए कि हाँ प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया, या मैम ने कहा था, सर ने कहा था वो वीडियो मेरा नेक्स्ट वीक ट्यूसडे 9 PM आएगा, क्या वो आया है या नहीं आया है। वो खुद से जाके आपका चैनल सर्च करें, वीडियो आया या नहीं आया। पार्ट 1 में मैम ने ये बताया था, सर ने वो बताया था, पार्ट 2 आने वाला था, उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट वो शेयर करने वाले थे, राइट। इस तरह के हम माइंड को चैलेंजेस देंगे, तब हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा माना जाएगा, राइट। ऑप्टिमल चैलेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत इजी चल रहा है, और ऐसा भी कुछ नहीं बताएं कि इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है या इतना डिफिकल्ट सा कुछ बता रहे हैं जो सिर के ऊपर से जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली वो वीडियो या वो प्रेजेंटेशन भी सक्सेसफुल नहीं होती जिसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आता। ईज ऑफ चैलेंज का मतलब क्या है, इजिली अंडरस्टूडेबल होना चाहिए, माइंड क्यूरियस होना चाहिए, कुछ स्पेशल रहना चाहिए, एक समथिंग न्यू स्कोप ऑफ लर्निंग, कम से कम 1-2 पॉइंट ऐसे हों जो नए हों। ऑब्वियसली सब कुछ तो नया नहीं ला सकते हम, लेकिन किसी पुराने यूज कंटेंट को भी नए तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। आपने देखा होगा जो नॉर्मल आजकल वीडियोस चलते हैं, एक ही टॉपिक पे आपको कम से कम 50 वीडियोस भी मिल जाएंगे, बट उन्होंने अलग क्या किया, किसी ने घर में अपने कमरे के अंदर सिंगल पेज पे शूट किया, किसी ने बाहर जाके अलग अलग पर्संस को लेके वो पॉइंट डिस्कस किए, किसी ने खुद का गेटअप बार बार चेंज करके वही पॉइंट्स शेयर किए, किसी ने बिना बोले सिर्फ एक्सप्रेशंस के थ्रू वही पॉइंट्स शेयर किए। द थिंग इज व्हाट आर दे डूइंग न्यू टू द प्रेजेंटेशन। पॉइंट्स वही है, हर किसी के पास वही किताबें हैं, नेट के पास वही चीजें हैं, वही चीजें हर कोई बार बार बता रहा है, लेकिन उसमें वो नयापन कहाँ से डाल रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप नए तरीके से कैसे प्रेजेंट करेंगे उस चीज को, दैट इज द ऑप्टिमल चैलेंज यू आर गिविंग टू योर ऑडियंस थ्रू योर प्रेजेंटेशन, थ्रू योर स्क्रिप्ट। अब इसमें क्या बना रहा है, आपका कंटेंट एकदम डाइजेस्टेबल होना चाहिए। डाइजेस्टेबल मतलब क्या है, तेज मिर्च मसाले इतने नहीं डालने, इतना फ्लेवर, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं डाल देना कि बस लोग उसमें घूम ही जाए। रिलेटेबल कंटेंट होना चाहिए, डूएबल, कि उसमें से कुछ एक चीजें वो फॉलो कर सके। लाइक अगर आप मॉर्निंग हैबिट्स भी शेयर कर रहे हैं तो इतनी डिफिकल्ट मत शेयर कीजिए कि सुबह 4:30 बजे उठ जाना है आपको, उसके बाद आधा घंटा कपालभाति करनी है, फिर 3 ग्लास गर्म पानी पीना है, फिर आपको 10 किलोमीटर की वॉक करके आना है, फिर आपका मॉर्निंग रूटीन जो है वो परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन बनेगा। इज इट डूएबल? प्रैक्टिकली नहीं है, है ना, डूएबल नहीं है। क्या चीज है जो इसमें से वो अच्छे से कर पा रहे हैं वही हम बताएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है मॉर्निंग रूटीन में, किताबें लिखी गई हैं लंबी लंबी जिसमें 50 पॉइंट्स लिखे होंगे। क्या एक पर्सन रोज 50 चीजें कर पाएगा डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली? इट इज नॉट पॉसिबल। वो उसमें से कौन से पॉइंट्स फॉलो कर पाएगा वही आपको बताने हैं, जिनसे वो रिलेट करते हैं, जिनसे उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हो और आप कोई वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, कुछ नया दे पा रहे हो उनको, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज जिससे उनकी कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। और इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, कंटेंट इज द किंग, यू आर द किंग तो है ही, आप कंटेंट को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो बात तो है ही, लेकिन कंटेंट बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो बिल्कुल लो लेवल का हो या इतना ज्यादा हाई लेवल का हो कि समझ में ही नहीं आए ऑडियंस को। मेक इट डाइजेस्टेबल, मेक इट रिलेटेबल टू द पीपल, मेक इट डूएबल फॉर देम कि इसमें से कुछ पॉइंट्स वो फॉलो कर पाए, और ऑब्वियसली इट शुड बी एडिंग वैल्यू टू द पीपल, उनको समझ में आए, उनको कहीं ना कहीं लगे कि अच्छा आप खुद नहीं यूज कर पा रहे, कहीं ना कहीं उनकी कोई प्रॉब्लम है, एटलीस्ट दे कैन इजिली शेयर टू समवन, इसी को शेयर तो कर पाए वो चीज कि हाँ मैं नहीं कर सकता यार, मेरी ये प्रॉब्लम है, बट यू कैन डू इट, तो यू कैन डू, इतना तो जरूर होना चाहिए उसके अंदर। ऐसी वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट हमारा होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक जीरो वाला भी नहीं और बिल्कुल 100+ लेवल वाला भी नहीं, एकदम अप्रोप्रिएट, अगेन गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल, एकदम अप्रोप्रिएट। जैसे कि की टेक अवेज क्या हो सकते हैं एक अच्छे कंटेंट के, कि आप एक अच्छा टाइटल ढूंढेंगे, माइंडेड, कोई भी कंटेंट क्राफ्ट करने से पहले उसका टाइटल पहले डिसाइड होता है। हर यूट्यूबर अगर आप सर्च करेंगे तो ये कहता है वीडियो बनाने से पहले उसका यूट्यूब का थंबनेल बनाया जाता है, उसका टाइटल डिसाइड किया जाता है, टाइम डिसाइड कर लिया जाता है कि इस दिन इस समय पर ये वीडियो अपलोड होना चाहिए, उसके बाद उसकी क्राफ्टिंग होती है, उसके बाद उसकी शूटिंग होती है, उसके बाद उसकी एडिटिंग होती है। खैर वो हम YouTube वीडियोस की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आप कोई भी स्पीच, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि टाइटल क्या है, कौन सा टॉपिक है जो आप डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसमें आप कौन सी स्टोरी, फर्स्ट नंबर पे कौन सी स्टोरी और कौन सा एग्जाम्पल शेयर करने वाले हैं। लाइक आई स्टार्टेड द प्रेजेंटेशन विद अ स्मॉल, बच्चों की स्टोरी थी लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल के साथ वो टोटली रिलेटेबल थी। आपके उस टॉपिक के साथ कौन सी स्टोरी, कौन सा एग्जाम्पल टोटली रिलेटेबल है, वो ही हमें यूज करना है। फिर आप 3 पॉइंट एक्सप्लेन करें, 5 पॉइंट एक्सप्लेन करें, 7 पॉइंट एक्सप्लेन करें, वो आपकी मर्जी है कि आपको कितना टाइम दिया गया है उस कंटेंट को देने के लिए। वो 1 मिनट का वीडियो है या वो आधे घंटे की प्रेजेंटेशन है या वो 2 घंटे का सेशन है, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ पॉइंट्स रखेंगे। लेकिन उसमें भी ये कहा जाता है कि नंबर 3 का जो फिगर है इसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको 9 पॉइंट्स भी शेयर करने हैं तो उनको 3 की ग्रुपिंग में डिवाइड करके कीजिए, बजाय कि नंबर 9 तक शेयर करने के। 3 का जो पैटर्न है, 3 का जो फिगर है, ये ऑडियंस के माइंड पर बहुत अमेजिंग रिजल्ट डालता है, उनको लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। अगर हम 3 की पॉइंट्स में स्टोरी या 5 की पॉइंट्स में स्टोरी को क्राफ्ट करते हैं, इससे लंबा अगर कंटेंट जाएगा ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू रिटेन, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रिटेन कर सके। या फिर आप लंबी चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए कि 5 पॉइंट आप शेयर कर रहा हूँ, नेक्स्ट 5 पॉइंट्स में नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट सेशन में शेयर करो। दैट वे यू हैव टू गो। कभी भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही सेशन में, एक ही चीज में मत डालिए, अदरवाइज आपके पास टाइम है, अगर पूरे दिन का समय है तो ठीक है, तो फिर हम दे सकते हैं हमको टाइम, लेकिन वो भी ब्रेक्स के साथ और किसके साथ, एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ। ये नहीं कि हम बोलते चले जा रहे हैं और लोग आधे सो रहे हैं, आधे ऐसे बैठे कि हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई पानी ढूंढ रहा है, कोई कह रहा है यार मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं, मैं भागूं कहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्टर एवरी 30 to 40 मिनट यू हैव टू एंगेज ऑडियंस इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, कोई एनर्जी बूस्टर एक्टिविटी, डांस, सॉन्ग, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, या फिर उनको किसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने में लगा सकते हैं। एक छोटा सा क्विज आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी माइंड बॉगलिंग छोटी मोटी एक्टिविटी वो आपको करते रहनी है। अगर प्रेजेंटेशन ज्यादा लंबी है तो छोटा वीडियो है 5-7 मिनट का तो कोई बात नहीं, वहां हमें किसी एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी सेशन है आपका जो 1 घंटे से ज्यादा लंबा है, एक्टिविटीज आर अ मस्ट। बल्कि 1 घंटे के सेशन में भी 30 मिनट्स रूल के हिसाब से आपको 2 एक्टिविटीज डिजाइन करनी चाहिए। एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, ये एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बच्चों को आदत होती है पूरा दिन 6 घंटे बैठ के लेक्चर सुनने की, बड़ों को नहीं होती। उनके माइंड में बहुत चीजें चल रही होती हैं और बार बार उनको आपको माइंड को शार्प करने के लिए, उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ सेपरेट एक्टिविटी डिजाइन करते रहनी होती है, राइट। सो दैट वे यू कैन डिजाइन योर प्रेजेंटेशन। अब की टेक अवेज कैसे होने चाहिए? क्या सिर्फ नाइस टू नो होने चाहिए या इम्पोर्टेंट टू नो होने चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यस राजेश जी। नाइस टू नो और इम्पोर्टेंट टू नो, नाइस टू नो का मतलब हाँ कंटेंट अच्छा था, सुनकर अच्छा लगा, मजा आया, या इम्पोर्टेंट टू नो कि हाँ सुनकर तो अच्छा लगा ही, लेकिन ये बहुत जरूरी पॉइंट भी था, ये तो हमें पता ही होना चाहिए था, इसके बिना तो काम चलता नहीं है. व्हाट शुड बी द टेकअवेज? इम्पोर्टेंट टू नो ऑब्वियसली, नाइस टू नो तो होता ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट टू नो इज अ मस्ट. यस रोहित. हाँ मैडम, अगेन गुड इवनिंग. थैंक यू सर, गुड इवनिंग टू यू एंड सभी को, बाकी पार्टिसिपेंट को भी गुड इवनिंग. तो इसमें मैडम मेरे हिसाब से जैसे आकाश सर ने पहले भी बताया था कि दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, इंफॉर्मेशन का दुनिया बाजार है डाटा का आजकल, तो इंफॉर्मेशन बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है, जैसे अपन बताएंगे आज फलानी गैलेक्सी में ये हो गया, इस गैलेक्सी की खोज हो गई, इससे आम आदमी के कोई मतलब नहीं, पर जान के थोड़ी देर को अच्छा लगेगा, तो आदमी को इन्फॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए, उन्हें इम्पोर्टेंट टू नो होना चाहिए. Yes. क्योंकि आदमी जब तक अपना रिजल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप में नहीं देगा, अपने को कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर की तो बाढ़ आ चुकी है आजकल. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फैक्ट है. नाइस टू नो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, हमारी जनरेशन मतलब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी उनको पूरी जिंदगी में मिलेगी. हम इतनी इन्फॉर्मेशन एक दिन में एक्सेस कर सकते हैं, आज के टाइम में इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है हमें, किसी से भी. आपके दादाजी मतलब मेरे दादाजी को तो खैर काफी समय हो गया, अभी 10 साल हो गए एक्सपायर हुए, या उनके दादाजी से अगर हम बात करते कि घर बैठे हम अमेरिका से बाय मतलब फेस टू फेस बात कर सकते हैं, वो तो सुन के यकीन भी नहीं करते. या फिर दुनिया भर की कोई भी न्यूज होगी, कोई भी इंसिडेंट होगा, विद इन हाफ एन आवर वो न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाएगी, ऐसा वो सोच भी नहीं सकते थे. आज के समय इतनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें जानना जरूरी है या हमारी ऑडियंस के लिए जानना जरूरी है, वही इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है. हमें फालतू इधर उधर का डाटा देने का, इंफॉर्मेशन सुनाने का कोई मतलब नहीं है. नाइस टू नो इज ठीक है, कभी कभी नाइस टू नो भी चलता है, लेकिन हमेशा इम्पोर्टेंट क्या है वो होना चाहिए हमारी प्रेजेंटेशन में, हमारी स्क्रिप्ट में. उसके बाद इंटरैक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन कैसा होना चाहिए, जैसे कि अभी कहा ओवरलोडिंग नहीं चाहिए. हमें किसी भी इंफॉर्मेशन की बार बार रिपीटेडली एक ही पॉइंट को स्ट्रेच नहीं करते रहना. मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रही हूँ, कभी भी रिपीटेडली एक ही पॉइंट को स्ट्रेच नहीं करते रहना. हर 5 मिनट बाद नया क्या है इसमें, अब मुझे नया क्या चाहिए इसमें. आपको कोई एक्टिविटी करवानी है तो कितनी करवानी है, अगर एक ही वीडियो के एंड में आप 5 कॉल टू एक्शन दे दीजिए. यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी नेक्स्ट वेबिनार आने वाला है उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए, मेरी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, और मेरी नई किताब भी आ रही है उसकी भी बुकिंग करा लीजिए. तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी एक्टिविटी हो पाएगी? नथिंग, कुछ भी नहीं होगा. कॉल टू एक्शन अगर लिमिटलेस होगा, लास्ट नंबर इतने सारी चीजें बता देंगे, माइंड विल बी बॉगलिंग कंफ्यूज, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे. या तो हम अगर सारी एक्टिविटीज भी कराना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ओपनिंग के समय पे एक चीज बोल दीजिए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट सेक्शन में कि मेरा नया इवेंट होने वाला है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा. और वो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, ये जरूरी नहीं है मुंह से बोला जाए, वो आप स्लाइड्स में या फिर वीडियो के एंड में एडिटिंग बटन में भी डाल सकते हैं. जरूरी नहीं है हर चीज बोल के ही करवाई जाए, कितना बोलना है प्रॉपर क्यूरेट होना चाहिए. कॉल टू एक्शन इज अ मस्ट, जरूरी है ताकि आपका अगला कनेक्शन बना रहे कि आप उनसे क्या करवाने वाले हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं देना कि अगले बंदे का माइंड ही ओवरलोड हो जाए और वो कोई भी स्टेप नहीं उठाए. हमारा पर्पस क्या है, हम जो भी दे रहे हैं उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आए एटलीस्ट. अगर सिर्फ यूट्यूब की ग्रोथ करनी है, हमें वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि लोग हमारा व्यूवरशिप बढ़ा रहे, तो फिर हम उन्हें कौन सा कॉल टू एक्शन देना है. चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, खत्म. अगर आपका पर्पस यह है कि आपके नेक्स्ट इवेंट में आए तो फिर उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, फिर लाइक करना और सब्सक्राइब करना इज नॉट अ फोकस, फिर वो फोकस नहीं है हमारा. प्रेजेंटेशन चल रही है, मैं चाहती हूँ कि वो नेक्स्ट मेरा कोई लाइव इवेंट होने वाला है, जैसे कि हम सेल्स वेबिनार करते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि हाँ वो हमारा कोर्स परचेज कर ले और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए, तो फोकस वहां रहेगा, फिर फोकस बाकी चीजों पर नहीं रहेगा. ऐसे ही जब सेल्स प्रेजेंटेशन कोई दूसरी तरह की चल रही है किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो सारा फोकस कहाँ होता है कि पर्सन प्रोडक्ट खरीद ले, कैसे पॉइंट्स दिए जाएं उसको कि उसको लगे कि ये प्रोडक्ट मेरे काम का है, फ्यूचर में भी मेरे और काम आ सकता है, अच्छा इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो सकती है, या फिर मुझे इसके लिए गारंटी भी मिल रही है, तो उसको लगे कि हाँ ये चीज बहुत काम की है, तो ही विल बी एबल टू परचेज द प्रोडक्ट। और उसके लिए भी ईज ऑफ एक्शन कर दिया जाए कि उनको वहीं कोई ऑनलाइन लिंक दे दें या फिर कोई इजी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दे दें। अगर ज्यादा प्राइस वाली चीज है तो अपने आप वो चीजें होती चली जाएंगी, फ्रूटफुल रिजल्ट तब मिलेंगे। ओवरलोडिंग कर देंगे तो कभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इंटरैक्टिव जो भी है ऑडियंस के साथ, दैट शुड बी ऑलवेज बी राइट इन ऑप्टिमम अमाउंट, ना कम ना ज्यादा। पूरे वीडियो में अगर यही नहीं बताएंगे या पूरे इस प्रेजेंटेशन में कि हमारा उसको करने का पर्पस क्या है, प्रेजेंटेशन को करने का या वीडियो को बनाने का, तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपने इतना सब कुछ कह दिया तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऑप्टिमम चीजें देनी है। और क्या कर सकते हैं, हमारा जो इंडियन माइंड है वो क्या कहता है, उसको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा, कुछ फ्री, कुछ बोनस, कुछ भी दे दो तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा कुछ ना एक्स्ट्रा मिल गया है ना, हमें इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद आई गॉट समथिंग एक्स्ट्रा, जो बाकी चीजों से नहीं मिला वो मुझे यहाँ से मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई वही आप प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसका परचेज लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के नीचे लिंक दे देंगे किसी और सोर्स ऑफ रेफरेंस का कि हमने ये कंटेंट इस बुक से लिया। आप अगर चाहते हैं डिटेल में पढ़ना तो आप बुक पढ़ सकते हैं, तो उस बुक का आप रेफरेंस दे सकते हैं। आप जानते ही है कि अमेजोन और यूट्यूब ने बहुत अच्छे से एक अपने आप ही कलेबरेशन कर लिया। जो अमेजोन एफिलिएट्स के जो प्रोडक्ट हैं वो यही काम करते हैं। पर्सन आता है, अमेजोन का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसकी चीजें आपको बता रहा है कि इसके ये बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका उसने लिंक दे दिया। जो भी उस लिंक को जाके परचेज करेगा, इसमें अमेजोन का भी बेनिफिट और उस पर्सन का भी बेनिफिट, राइट। तो वही, और कस्टमर का बेनिफिट तो है ही कि उसको ढूंढना नहीं पड़ा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहीं से जाके वहीं से उसने खरीद लिया। तो यहाँ पर सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है, यूट्यूब की भी, अमेजोन की भी, जो वीडियो बना रहा है उसकी भी, और जो सामान खरीद रहा है उसकी भी, सबके लिए विन विन हो जाती है। तो आपका वीडियो, आपका प्रेजेंटेशन, आपका वेबिनार सबके लिए विन विन कर रहा है कि नहीं। हमें इस तरह से चीजों को डिजाइन करना है, हमेशा वैल्यू एडिशन पे फोकस करना है कि कैसे हम ज्यादा वैल्यू दे पाए। इवन इफ यू आर गिविंग समथिंग फॉर फ्री, आपको लग रहा है फ्री दे रहे हो, सामने वाला सुनने वाला बंदा अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहा है, एंड टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। हमें किसी का टाइम वेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी वैल्यू, हमारा जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी हम दे रहे हैं, वो वैल्यू एडिशन बेस्ड होना चाहिए, टाइम वेस्टिंग पे नहीं होना चाहिए कि हाँ सिर्फ उल्टा सीधा कुछ भी बता दिया, इररेलेवेंट पॉइंट डिस्कस कर दिया और हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज फोकस ऑन गिविंग वैल्यू, और जितनी वैल्यू आप सोचते हैं उससे 10% ज्यादा हमेशा दीजिए। दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, फिर सब कुछ हमारा सक्सेसफुल रहेगा। ये बहुत शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब मेरा पर्पस ये है इसको बताने का आपको कि अब आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है। आप मान लीजिए आपको YouTube पे मेरा खुद का पहला वीडियो जो है, जो कर रहे हैं ऑलरेडी वेल एंड गुड, जो नहीं कर रहे हैं अभी तक उनको अपना पहला वीडियो अपलोड करना है। तो मेरी ऑडियंस क्या है, मेरा टॉपिक क्या है, उसके हिसाब से और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपना एक वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना है। 5 मिनट का वीडियो है, 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं बस, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। और शैल आई गिव यू वन टॉपिक जनरलाइज जिसपे सभी लोग काम करेंगे, जैसा आप करना चाहते हैं। यू कैन शेयर इन द चैट बॉक्स। यस, सब अपना अपना टॉपिक लिखेंगे या फिर मैं आपको एक टॉपिक बताऊं उस पर सब लिखेंगे? ओके, इमोशनल एंगेजमेंट, मनी, मनी माइंडसेट अकॉर्डिंग टू नीश। ओके, जिनके पास उनका नीश है वो अपने नीश के अकॉर्डिंग लिखिए। एज यू ऑर्डर नहीं होता रोहित जी, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं देता है, वी आर फैमिली, एवरीथिंग हैपन्स ऑन डिस्कशन। जिनके पास उनका नीश है वो अपनी नीश के लिए लिखेंगे। 5 पॉइंट्स आपको अपना एक रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे स्क्रिप्ट लिखना है, जस्ट द वे आई एक्सप्लेन्ड, उस तरह से। और जिनके पास नीश नहीं है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लिख दीजिए, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप सोच समझ के कंटेंट ढूंढ के, कंटेंट ढूंढना कहाँ से है वो भी हमने अच्छे से समझाया आपको, कैसे ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, सब कुछ बताया है आपको। उस तरह से ढूंढ के आई विल गिविंग यू 10 मिनट्स, और उसके बाद विल डिस्कस द स्क्रिप्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम कोच तो आप है मोन्टू जी, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करवाई जा सकती है, 5 स्टेप्स कौन से फॉलो कर सकते हैं, उस पर बना सकते हैं। जो लोग अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका टॉपिक उनके पास है, उसके ऊपर बना सकते हैं। आप डिसाइड करिए आपको किस पे स्क्रिप्ट लिखनी है। आई जस्ट वॉन्ट कि आप स्क्रिप्ट लिखें और जरूर से आज ये एक्टिविटी करें ताकि आपको स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू हो जाए। सो इट्स 8:54, 9:04 तक स्क्रिप्ट कहाँ से खोजना है? गूगल से खोजना है सर। टॉपिक का नाम डालिए, ब्लॉग मिल जाएगा, वहां से स्क्रिप्ट मिल जाएगी आपको। प्रतीक जी, आपको आपका टॉपिक पता है ऑलरेडी? आई नो, मैंने पहले ही बोला जिनके पास उनका नीश क्लियर है, उनको पता है उनको कैसे मूव ऑन करना है, वो उसी टॉपिक पे लिखेंगे। जिनके पास नहीं है वो टाइम मैनेजमेंट पे लिखेंगे। यस सलीम सर, आप किस पे बनाने वाले हैं स्क्रिप्ट? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ओके सर। यू हैव 10 मिनट्स शार्प। रोहित सर को तो स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हाथ हैंड रेज हो गया। मैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ गई थी कि अभी हैंड रेज होने वाला है। यस रोहित जी। मैम ये सॉरी, टाइम मैनेजमेंट में बहुत पुअर है तो उस पर लिखना आत्मा अलाउ नहीं कर रही। तो आपके पास तो सर आपके इतने सारे ढेरों टॉपिक हैं अपनी वो मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए, उस पर लिखिए। टाइम मैनेजमेंट उनके लिए जिनके पास टॉपिक नहीं है डिस्कस करने को। फिलहाल कई लोग ऐसे भी है ना जो थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है उनको, वो उनके लिए है। रिलेशनशिप पे लिख के दिखाना आपको। हाँ लिख के दिखाना है, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट सुनाएंगे मुझे अभी। जी जी ठीक मैम। और फिर कल उसका वीडियो भी अपलोड होगा ग्रुप में सभी का। कल का टॉपिक नहीं दूंगी, आज यही करना है आपको। जो स्क्रिप्ट लिखनी है उसी का वीडियो बना के सेंड करना है, जल्दी जल्दी कीजिए। जी जी कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट जब थोड़ा सुधार कर लेंगे अपने ऊपर तब बोलेंगे उसके बारे में। बिल्कुल। Took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold it, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep, 'cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count when the dealing's done. You got to know when to hold up, when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count when the deal is done. Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old. Daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. It won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms, he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was 3 of them. Tommy opened up the door and saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look, was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Yes, are we ready? No one is ready? Dr. Rohit Thapar is ready. Okay. Ready to share, Rohit Thapar, sir? Yes, madam. Yes, sir. Just a sec. आपको spotlight में डाल देते हैं. Yes, sir. Now you can share. आपका कहना मानते हुए टाइम पे लिखा है, टाइम पे बहुत छोटे समय में कितना टाइम 4 शब्दों से मिलकर बना है इंग्लिश में टाइम, TIME टाइम। टाइम अर्थात काल या समय। तो टाइम में जो पहला टी आया है उसको इसका खुद ही मतलब होता है टी फॉर टाइम, और दूसरा इसमें जो आया है आई फॉर मेरे हिसाब से इरेगुलर। आदमी यदि अव्यवस्थित है, उसकी हैबिट गलत है, सोने का टाइम नहीं, जागने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, पढ़ने का टाइम नहीं, और जो इरेगुलर हैबिट का शिकार है तो निश्चित ही वो समय से पीछे रह जाएगा। और दूसरी चीज है एम फॉर मोशन या मूवमेंट। यदि अगर उनको टाइम के अनुरूप टाइम को मैनेजमेंट करना है तो अपने अंदर मोशन होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। जैसे अपने को पढ़ना है तो टाइम पढ़ने बैठ जाए, उठना है तो टाइम में उठ जाए, क्लास ज्वाइन करनी है टाइम में क्लास ज्वाइन करने। मैंने जहाँ मूवमेंट होता रहेगा तो आदमी समय के साथ चलता रहेगा, क्योंकि काल ये चक्र लगातार चल रहा है। जो समय चला गया है 10 सेकंड, 1 सेकंड पहले का समय भी, 1 पल का समय भी अपन पीछे का नहीं बता सकते, इसलिए अपन को लगातार मूवमेंट में बने रहना पड़ेगा। और लास्ट ई, टाइम को मैनेजमेंट करने में बाधा डालता है इमोशन। आदमी जो इमोशनल बैकग्राउंड है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, वो भी समय को बैलेंस करने में बहुत बाधा डालता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसा हमारी बीवी से नहीं बनती, उसको अपन समझाने में धन को खराब कर देंगे, महीन को खराब कर देंगे, नहीं बन रही तो बात छोड़ के आगे बढ़ जाना, चीज को क्लिक कर देना, हर चीज अपना एंड पॉइंट लेकर। मान लीजिए अपना पेट साफ नहीं हो रहा है, आप पेट साफ नहीं हुआ, मुझे पेट साफ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आगे बढ़ जाना, नहीं हुआ तो उसको साफ करने इंतजाम करना, जैसे आगे बढ़ जाना। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए सबसे अच्छा चीज जो टाइम के अंदर छूट चुका है। और दूसरा काल का अंत भी होता है, यदि अपन समय के साथ नहीं चले हैं तो हमारा अंत निश्चित। अंत मतलब अपन हर चीज में, समाज में, तरक्की में, प्रोग्रेस में, धन में, हर चीज पीछे रह जाएगी। इसलिए अपन को समय का मैनेजमेंट करना ही होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की जगह समय चल रहा है। सूरज टाइम में निकलता है, चंद्रमा टाइम में निकलता है, हमारा सोचती माफी होती है, ब्रह्मांड की हर चीज टाइम है। इसलिए अपन को यदि जिंदगी में बने रहना है, टिके रहना है, करना है तो टाइम के अनुसार चलना होगा। और ये उपदेश मैं अपने ऊपर पहले लागू करूँगा। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और शॉर्टन करेंगे तो और क्रिस्प हो जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा। और कल मुझे वीडियो चाहिए या फिर अभी रिकॉर्ड कर दीजिए एंड सेंड इन द ग्रुप, सो दैट जिनका मिस हो गया वो भी जरूर से समझ ले। यस, सो वी हैव निधि मैम रेडी। यस निधि मैम। मैम कितने मिनट का दूं? 2 मिनट, ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि और भी लोग हैं एंड वी हैव टू प्रेजेंटेशन लाइन टुडे, तो बोथ ऑफ देम आर रेडी आल्सो। नहीं, सिर्फ छोटी बनाऊंगी, ठीक है। बुरे वो नहीं होते जिनकी बुराई होती है, बुरे तो वो होते हैं जो बुराई कर रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निधि गर्ग है और मेरा आज का टॉपिक है इतना करने पर भी सास हर समय बुराई करती रहती है, क्या करूं। आजकल काउंसलिंग के दौरान अक्सर यही प्रश्न बार बार लेडीज कर रही हैं कि मेरी सास का मैं इतना ज्यादा करती हूँ, फिर भी मेरी सास हर समय मेरी बुराई करती रहती है। क्योंकि जैसे ही एक लड़की की शादी होती है, उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है कि मैं शादी के बाद ये करूंगी, वो करूंगी। लेकिन जैसे ही उसका पाला अपनी सास से पड़ता है तो उसका सारा जो मन में इच्छाएं होती हैं वो रफू चक्कर हो जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं उसके हस्बैंड। वो ना इधर के जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। ऐसे में एक लड़की को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब सास उसके मुंह पर तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन बाद में उसकी बुराई करती है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है, फिर वो सोचती है कि मैं क्या करूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी सास ऐसा करती क्यों है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप कभी भी इसका रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। आपकी सांस ऐसा इसलिए करती है, पहली बात तो वो आपके मुंह पर कोई बात नहीं कह पाती है, उसे अपना मन हल्का करना होता है, इसलिए वो अपनी शेयरिंग कर रही होती है, वो आपकी बुराई नहीं कर रही होती, वो अपने मन की शेयरिंग कर रही होती है। वो किसी ना किसी के साथ, चाहे अपनी बहन के साथ करे, अपनी मम्मा के साथ करे, अपनी बेटी के साथ करे, वो सिर्फ अपना मन हल्का कर रही होती है। सेकंड बात होती है कि जब भी कोई लड़की या लेडी अपने मन की बात किसी से भी शेयर करती है तो उनके अंदर से सेरोटोनिन नामक एक पदार्थ निकलता है। जब वो अपनी बात को शेयर करती है तो उससे उसको हैप्पीनेस मिलती है। और तीसरी बात आती है कि उसके यह हीलिंग करने का तरीका है। जब हम अपनी बात किसी और के साथ शेयर कर लेते हैं तो उनके मन की जो भी स्थिति होती है वो ठीक हो जाती है। ये उनके मेन रीजन होती है, इसलिए आपको गुस्सा नहीं करना होता। आपको सिर्फ यही सोचना है कि दुआ में कोई याद रखे या ना रखे कोई बात नहीं, चुगली में ही याद रखा है वो भी अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपको इसके सल्यूशन देना चाहूंगी कि आपको ऐसा क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि आपकी सास चुगली कर रही है, उस समय आपको अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना है। कोई अच्छी बुक्स पढ़नी है या तो फिर अपने जीवन में कोई उद्देश्य, कोई गोल रखना है और उस पर आगे बढ़ते हुए खुद को उसमें इन्वॉल्व कर लेना है, जिससे आपके मन में कभी भी कोई भी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। सेकेंड काम आप करना है कि अगर आपको कोई बात उनकी अच्छी नहीं भी लगती है तो आप उन्हें रिस्पेक्टफुली नो कह सकते हैं। कभी भी उनके साथ गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, लेकिन आपको उनको प्यार से कह देना है। थर्ड काम आपको करना है कि उनके साथ आपको थोड़ा समय बिताना है, उनको समझने की कोशिश करनी है। जब आप उन्हें आपको समझेंगी तो वो कभी भी आपकी बुराई नहीं करेंगी या तो फिर आपके बारे में गलत नहीं बोलेंगी। अंत में मैं आपको सिर्फ दो ही बातें कहना चाहूंगी कि जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है ये तो वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, वक्त सबका आता है। थैंक यू। MPTY to you मैम, वंडरफुल। It took me 1 minute. Actually net pack over हो गया था तो मुझे सिम चेंज करना पड़ा, इसलिए 1 मिनट का ग्लिच आया था। MPTY to you मैम, wonderful sharing, beautiful. Thank you मैम, thank you. जल्दी में मैम मैं यही कर पाई क्योंकि नेक्स्ट मैं वीडियो जल्दी भी बहुत अच्छा किया मैम, बहुत अच्छी एक आधी चीजें तो हमें जानने को मिल ही गई। Thank you so much for sharing. वीडियो यही बनाने वाली हूँ अच्छे से इसको क्राफ्ट करके। जी फ्राइडे में। Yes Montu जी, thank you so much Nidhi मैम, thank you मैम। थोड़ा सा जल्दी करेंगे आज हम फटाफट से because two people are waiting for their presentation. Yes sure मैम। क्या आप आज की डेट कोई एक ऐसी जिंदगी जीना पसंद करेंगे कि जो जिंदगी में फाइनेंशियली कोई भी टेंशन कभी भी आपकी लाइफ को टच ना करे? अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो जाए तो बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बंदा था, अच्छे से बिजनेस कर रहा था, अच्छे से घर परिवार चला रहा। 2020 में कुछ ऐसी बीमारी आ गई, कोरोना। उसका पूरा बिजनेस लॉस हो गया। उसके फैमिली मेंबर्स में से 4 मेंबर्स को कोरोना हो। उसके पास ना फाइनेंशियली कोई ऐसा एडजस्टमेंट था जिसके चलते वो कोरोना में सर्वाइव कर पाया, ना हॉस्पिटल का बिल चुका पाया। ऐसा कुछ भी उसने पहले से प्रोग्रेस किया नहीं, जिसके चलते उसका पूरा बिजनेस लॉस हो। क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लॉस हो? हमेशा आपके आने वाले फ्यूचर के ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कीजिए। मनी मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट इन फाइनेंशियली फ्रीडम। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपके पैसे को मैनेज करना। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप सब पैसा इन्वेस्ट करें, मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। कुछ 5 स्टेप्स है छोटे से जो इसको आपको फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप्स है एवरी फैमिली लिव विद स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये अपना पूरा हक है कि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें। उसके लिए एवरी फैमिली फ्यूचर विद मनी मैनेजमेंट और मेडिकल इमरजेंसी फंड फैसिलिटी टू ऑल फैमिली फर्स्ट नीड। हर एक फैमिली की फर्स्ट नीड है मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आती है तो उसके लिए मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। हर एक घर में मेडिक्लेम होना चाहिए, छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 90 साल, उसका एक मेडिक्लेम होना चाहिए, जिसके चलते मेडिकल इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा आपके पॉकेट में। दूसरा है एजुकेशन, एंजॉइंग ट्रैवलिंग। अगर आप कोई एजुकेशन के अंदर एजुकेशन फील्ड में अपने बच्चे को डालते हैं तो पहले ही दिन से आपको 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा छोटा होता है तभी से उसके एजुकेशन के लिए कुछ एक छोटा छोटा अमाउंट साइड में इन्वेस्ट कीजिए, उसका मैनेज कीजिए मनी, जिसके चलते आने वाले 15 साल का आपके बच्चे को बिजनेस करना हो या एजुकेशन करना हो, आप उसे सर्वाइव कर सकते। उसके लिए मनी मैनेजमेंट होना काफी जरूरी है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आफ्टर यू एंड योर फैमिली इजीली सर्वाइव। आफ्टर यू मतलब आपके जाने के बाद। अभी मैं जी रहा हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली की नीड्स कौन पूरी करती है? मेरे पूरी फैमिली में अगर मैं ही बंदा हूँ जो एक सर्वाइव कर रहा हूँ, पैसा ला रहा हूँ, मार्केट से मनी मैनेज कर रहा हूँ, अगर मेरे जाने के बाद मेरा फैमिली कैसे सर्वाइव, उसके लिए भी एक मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। आज की डेट में टर्म प्लान काफी कम प्रीमियम पे अवेलेबल हर एक फैमिली में। जो भी पर्सन है जिसके चलते हुए पैसा उसके घर में आ रहा है, सबसे पहले उसका टर्म प्लान होना जरूरी। कल को डेट में कुछ भी हो जाता है तो वो पैसा उसकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है और उसका फैमिली हर एक पोजीशन में सर्वाइव कर पाता है। पैसा सब कुछ नहीं है, अगर पैसे बगैर कुछ पॉसिबल नहीं आज की। तो मनी मैनेजमेंट वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट इश्यू, बट यू कैन मैनेज, यू कैन लाइफ इजीली एंजॉयबल, फुल्ली ट्रैवलिंग, फुल्ली स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर आप चाहते हैं पूरी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके, प्लीज हमारा आने वाला वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को देखिए। थैंक यू। सुपर्ब सर, वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग MPTY टू YouTube। देखिए सभी लोगों का फर्ज है कि MPTY टाइप करते जाइए, एटलीस्ट आपको अपने कलीग्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। यस, थैंक यू सो मच मंटू जी फॉर शेयरिंग। जल्दी जल्दी में आपने बहुत अच्छा बोला, डिटेल में फिर से सुनूंगी मैं एक बार दोबारा बैठ के रिकॉर्डिंग में। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस चंद्रकला मैम, इट्स योर टर्न। Yes, ma'am. 1 minute. We have behind schedule, so only 1 minute. Please don't mind. Yes. Start करती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रकला मानकर मनी कोच और कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। तो आज हम पैसे के बारे में जानेंगे 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें। पहला है पैसे कमाने पर हमेशा फोकस करना है। दोस्तों कभी भी एक इनकम सोर्स पर कभी भी डिपेंड नहीं रहना है, हमें हमेशा इन्वेस्ट करके दूसरा सोर्स निर्माण करना है। सेकंड है इन्वेस्ट करने पर फोकस करना है। कभी भी सारा पैसा एक ही जगह पर हमें सेविंग नहीं करना है, हमेशा डिफरेंट जगह पर सेविंग करना है और इन्वेस्टमेंट भी करना है। थर्ड है पैसे आने पर सेविंग करें और हमेशा अपनी इनकम का जो पैसा है उसमें से 10 से 20% पैसा हमेशा हमें सेविंग करना है, क्योंकि मुसीबत के समय वही पैसा काम आने वाला है। तो आज हमने जाना है 3 टिप्स। पैसा कमाने पर फोकस करना है, इन्वेस्ट करने पर फोकस करना है और सेविंग करने पर फोकस करना है। सो आई होप आपको तीनों टिप्स पसंद आए हो। सो थैंक यू सो मच। सेव मनी, इन्वेस्ट मनी एंड हैप्पी मनी। थैंक यू। Thank you so much, Ankala ma'am. Yes, beautiful, short and crisp. Thank you so much. MPTY to you too. Yes, Mukul ji. Hello. आवाज आ रही है मैम? Yes, yes. नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता, बिजनेस कोच एंड ट्रेनर। आज मैं बिजनेस सक्सेस फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। आज तक जितना भी बिजनेस को लेकर इम्पोर्टेंट लेसन है वो मैं इस वीडियो में देना चाह रहा हूं। चाहे स्टार्टअप हो या कोई बड़ा बिजनेस हो, उसके फेलियर के 5 कारण क्या होते हैं। अगर ये 5 कारण ठीक हो गई तो आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा और आपके बिजनेस की हेल्थ और वेल्थ भी ठीक हो जाएगी। तो पहला कारण है पहले हमें यह सोचना कि मेरे कस्टमर को सफलता कहाँ से मिलेगी। सारे बिजनेसमैन अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं, अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट जो है वो है निगेटिव कैश फ्लो एंड निगेटिव वर्किंग कैपिटल। बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट और कैश दोनों इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो है वो है बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन होना बहुत जरूरी है। आज के समय में लोग बिजनेस में जमने के लिए सस्ता बेचने के चक्कर में अपने मार्जिन को खत्म कर लेते हैं और बाद में वो मार्जिन बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। चौथा पॉइंट जो है वो है लैक ऑफ द टैलेंटेड मैन पावर। आजकल लोग टैलेंटेड वर्कर नहीं ला पाते हैं जिसके कारण उनका बिजनेस जम नहीं पाता है और बिजनेस बर्बाद हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है बिजनेस को बड़ा करने के लिए करने का हुनर और तैयारी। आजकल के बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बड़ा करने का प्लान नहीं बना पाते हैं और कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाते हैं और नया कस्टमर बनता तो है लेकिन पुराना कस्टमर छूट जाता है जिसके कारण उनका धंधा वहीं का वहीं रह जाता है। थैंक यू मैम। सुपर्ब सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। MPTY टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। ओके, so it's almost 9:30। चलिए, एक मोहित कक्कड़ जी ही है जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, बाकी लोग बाद में करेंगे मुझे लगता है, तो उनको चांस दे देते हैं। बाकी लोगों का जो है हम स्क्रिप्ट उनके वीडियो में देखेंगे एंड सभी को ग्रुप में वीडियो शेयर करना है जो भी आपने आज स्क्रिप्ट बनाई है। यस एवरीवन, मोहित जी, now we can see you. May I start, ma'am? Yes. Yes, ma'am. So 4 T's of effective communication. First is timing. जब भी हम किसी के साथ communicate करें, so it's make sure there is राजी के साथ communicate कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उनके साथ perfect time पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपके पास और उनके पास प्रॉपर टाइम है बात करने का। सेकंड, टोन ऑफ योर वॉइस, कहने का तरीका, योर बॉडी लैंग्वेज, आपका रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ, सब कुछ, हमारा जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। बात करते हुए इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारे बात करने का तरीका उनके साथ सही है जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सॉरी मैम, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू सर, कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। ठीक है, सी लेफ्ट द मीटिंग। ओके, चलिए कोई बात नहीं, वंडरफुली बोल रहे थे सर लेकिन इश्यू हो गया। चलिए अनिल सालवी जी, आपको भी चांस दे दिया जाता है। यस मैडम, क्या बोलना है? वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना था सर। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग देंगे। वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना है एक, और मैंने उसका प्रोसेस बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए लिखना है। वो लिखने के बाद वो शेयर करना था, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसके बाद में करिएगा, डोंट वरी। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए, तो नाउ मैंने मिस कर दिया था, इसलिए मुझे था कि मैंने कहा ज्वाइन तो करें इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात। We have 2 presentations lined। आपने बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन किया। आपने fellow candidates की प्रेजेंटेशन देखिए ताकि आपको भी eagerness आए कि मुझे भी प्रेजेंटेशन देनी है जल्दी से जल्दी, राइट? यस मैडम, बिल्कुल देना है प्रेजेंटेशन, बिल्कुल। चलिए, so now it's the time to invite Amit Mishra sir, who is a financial freedom coach and who is going to guide us about how to achieve financial freedom. So I'm spotlighting you. So for everyone, very good evening, and yes, very good evening to all of you. Share screen का button on है sir, you can share your screen. Okay ma'am. Everyone, please type in the chat box. Welcome Amit ji. दिख रहा है मैम सबको? जी सर दिख रहा है, आप फुल स्क्रीन कर लीजिए तो ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। यस नाउ आ गया मैम? जी बिल्कुल। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमित मिश्रा, ग्रीटिंग्स फ्रॉम सूरत, और मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम कोच हूँ, जो कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में सब पैसा पैसा करते हैं, तो इसी बात पे एक कहानी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे के लिए, क्योंकि हम सभी यहाँ पे कुछ न कुछ सीखते हैं पैसा कमाने के लिए ही। हमारे अंदर जो क्वालिटी जनरेट करते हैं हम उसमें कहीं न कहीं जाकर के लास्ट में पैसा कमाने की ही बात करते हैं। तो दोस्तों, हम डायरेक्ट आज पैसे को ही सीखते हैं कि पैसा होता कैसा है और पैसा कहाँ से हम कमा सकते हैं और पैसा किस तरह से हमारे लिए काम करता है। सो दोस्तों, चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। आज मैं ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ पैसे पे, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि व्हाट इज मनी। कितने लोगों को पता है कि पैसा क्या है? सो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि पैसा क्या है, कितने लोग जानते हैं, मैं जानना चाहूंगा एक मिनट में। वाह, बहुत से लोग हैं जो चंद्रकला मैम हैं, शरून मैम हैं और नीलिमा किरकिरे मैम हैं। आप सभी ने बोला है एनर्जी है, निधि गर्ग मैम है एनर्जी बोल रही हैं, अश्विनी कुमार जी हैं एनर्जी कह रहे हैं, सुरेश शिंदे सर हैं वो भी एनर्जी कह रहे हैं, चंद्रकला मैम, राजेश कुमार सिंह सर हैं एनर्जी, और अनिल सालवी सर हैं इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच। सब लोगों का आंसर कहीं ना कहीं जाकर के किसी न किसी मोड़ पे बहुत अच्छा है और एक रिलेट करता है लाइफ को। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि पैसा एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन द सेंस कि पैसा कहीं हिलता डुलता नहीं है, वो जहां पे होता है वो वहीं पे स्थिर होता है, ना कि वो अपने से चलता है, स्वचलित नहीं होता, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि कैन Okay, there may be some network issue from sir's side. He left the meeting. तो हो जाता है कभी कभी, हमें आइडिया नहीं होता कि कितनी ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए प्रेजेंटेशन देने के लिए। नो प्रॉब्लम, लेट्स वेट। तब तक लेट्स इनवाइट नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स। शेखर बिहारी सर इज आल्सो हियर विद अस, हु इज आल्सो गोइंग टू एनलाइटन अस विद हिज विजडम। तब तक अमित सर ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको भी हम जरूर से चांस देंगे। हेलो एवरीवन, क्या सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस शेखर जी, पर आपका भी बैंडविड्थ कम है। आप अगर स्क्रीन शेयर करने वाले हैं तो अपना कैमरा ऑफ कर दीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आई कैन सी एक्चुअली नेटवर्क का इशू रहता है हमारे यहाँ। कोई बात नहीं, तभी मैंने बोला आप कैमरा ऑफ करके बात कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू करें आज का प्रेजेंटेशन, सब रेडी है? Yes. चलिए, एक मिनट मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। सब रेडी है? ओके रेडी। सबको आवाज और क्लियर आ रहा है? हेलो। यस सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। आपको स्क्रीन भी शेयर हो रही है मैम? जी जी बिल्कुल हो रही है। जस्ट स्टार्ट। अमित मिश्रा सर इज हियर विद अस आल्सो, तो लेट्स स्टार्ट है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं कंसीव बिलीव अचीव, है ना, स्मार्टर वे टू अचीव योर गोल। सबको जैसे कि सबको पता ही होगा कंसीव बिलीव अचीव क्या होता है, तो आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं उसको कि हम कैसे अपने गोल्स के तरफ इजी वे में पहुंच सकते हैं। तो मैं आपके बारे में बता दूंगा, मैं हूँ शेखर, मोटिवेशनल स्पीकर, डेवलपमेंट एंड ट्रेनर। कहते हैं हर नई मंजिल मन में डर और घबराहट पैदा करती है। सफर लंबा हो या छोटा, शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। मंजिल और पहले कदम का जो फासला है ना, वो हौसलों से तय होता है। इसी हौसलों के साथ हम आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। हम कंसीव के बारे में समझते हैं, मतलब बेसिक स्टेप टू स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट व्हाट यू वांट, या हम दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि व्हाट यू अट्रैक्ट मोर, लाइक इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, न्यू आइडिया। मान लो आप स्क्रॉल कर रहे थे, स्क्रॉल करते करते मैम का आपको ऐड दिख गया पब्लिक स्पीकिंग का। तो पब्लिक स्पीकिंग का आपने 2-3 बार ऐड देखा होगा, फिर आपने यहाँ पे इंजॉय कर लिया। कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में पब्लिक स्पीकिंग का रिलेटेड कुछ नए नए आइडिया आते रहते कि मैं क्या नया कर सकता हूँ अपने इसमें। तो उसी को जो थॉट है ना, आपके विचारों को हम कंसीव बोल सकते हैं कि कोई भी नया विचार आपके दिमाग में आता है या कंटिन्यू सीरीज चलते रहती है, उसको हम कंसीव बोलेंगे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कंसीव मतलब एक हम ड्रीम भी बोल सकते हैं उसको, अ सीरीज ऑफ इवेंट और पिक्चर विच हैपन्स इन योर माइंड इन स्लीप और ओपन है। कहते हैं ना कि क्या होता है, हम सोते तभी हमको सपने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों में कुछ करने की चाह होती है ना, हिम्मत होती है, वो खुले आंखों से भी सपने देख सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि खुले आंखों से भी हम सपने देख सकते हैं। यस यस, अनिल सालवी सर कह रहे हैं, चंद्रकला मैम, निधि गर्ग मैम, ओके। तो हम देखते हैं कि ड्रीम्स क्या होते हैं। ड्रीम्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ड्रीम्स के हर एक वर्ड ड्रीम का कुछ ना कुछ डिनोट करता है, जैसे डीप और ई फॉर एजुकेशन, ए फॉर एटीट्यूड और एम फॉर आपका आता है मोटिवेशन। इन सबको मिला के आपका ड्रीम कंप्लीट होता है। जब भी हम किसी ड्रीम के बारे में सोचते हैं, तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे रूट में आती है, रास्ते में आती है। फिर हम देखते हैं कि हम हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट आया है ना, इसलिए हमने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। हम सब यहाँ पे क्यों है, उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे भी हमारे सोच का कहीं ना कहीं हमारी सोच मैटर करती है। फिर हम देखते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, कितने लोगों को लगता है कि हमें हमारी लाइफ पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। आई थिंक सो सबको लगता है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थिंकिंग हम लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते, या अगर हम बोले कि हम हर समय निगेटिव रहेंगे तो हम लाइफ की पॉजिटिव साइड को प्रेफर नहीं कर पाते, है ना। फिर हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर कोई फेल भी हो जाता है, अगर उसका ग्रोथ माइंडसेट रहता है या पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, तो वो अच्छी तरीके से अपने लाइफ को इनहांस कर सकता है, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है ना। फिर हम देखते हैं कि आज ये बताइए कितने लोगों को आज स्टोरी सुनना है हमारे प्रेजेंटेशन में। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आंसर दें, क्योंकि स्टोरी थोड़ा 5 से 7 मिनट लंबी होंगी, तो मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा किंग्स और उसके डॉटे। गगनदीप सर बोल रहे यस, चंद्रकला मैम, प्रीशा मैम भी बोल रहे हैं। अच्छा, सब लोगों को 5 से 7 मिनट लगेगा अनिल सर हमारे स्टोरी को, क्योंकि स्टोरी थोड़ी लंबी है और काफी इंफॉर्मेटिव स्टोरी है। बढ़िया, सब लोगों को यहाँ पे स्टोरी सुनना है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। एक राजा रहता है, उसकी बेटी रहती है वैराग्यवती। वैराग्यवती उसका नाम रहता है। वो राजा अच्छा महल का राजा रहता है, लेकिन उसकी बेटी जो वैराग्यवती रहती है ना, वो क्या रहती है, पूरी मतलब साधु संत टाइप रहती है कि सन्यासी टाइप की। वो हर समय भगवान का नाम जपते रहती है, कुछ ना कुछ भगवान के गुण गाते रहती है। तो फिर राजा को भी लगता है कि वैराग्यवती के लिए एक बाजू में आश्रम कर दिया जाए, बना दिया जाए। वह राजा क्या करता है, वैराग्यवती के लिए बाजू में आश्रम बना देता है। वहां पे वो दिन भर अपने भक्ति भाव में लीन रहती है। फिर एक दिन क्या होता है, उसके आश्रम के बाजू से एक आदमी जाते रहता है। आदमी जैसे जाते रहता है तो उसके दिमाग में आज वगैरह लूटना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे सोने जेवरात है। तो उसके दिमाग में खुरापात आ जाती कि मैं महल में जाके कुछ सोने जेवरात वगैरह लूटो। फिर क्या होता है कि वो पीछे के गेट से जाते रहता है। वहां पे वैराग्यवती अपना भक्ति गीत गाते रहती है। वो उनका भक्ति गीत क्या रहता है, मोहे गुरु की लगी आस, मुझे गुरु से मिलवा दो। तब जो ये रहता है चोर, चोर बोलो या आदमी है, ठीक है, वो कहता है क्यों ना वैराग्यवती को थोड़ा सा भुला के हम महल में घुस जाए और कुछ महल का अच्छी जेवरात वगैरह लूट लिया जाए। तब भी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है या खुरापात आती है, हम बोल सकते हैं कि वो वैराग्यवती के आश्रम में जाता है गुरु का भेष धारण करके, और गुरु उससे बोलता है कि वैराग्यवती हमारे लिए पानी लाइए। पानी लाइए। तो वैराग्यवती घर अंदर जाती है, पानी लाती है। तो गुरु क्या मतलब वो आदमी जो रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकते, वैराग्यवती पूछती है। अरे भाई ऐसा क्या है कि आप क्यों नहीं पी सकते मेरे हाथ से। तो वो आदमी बोलता है जब तक तुमने शिक्षा गुरु दक्षिणा नहीं ली तब तक तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पी सकता। तो वैराग्यवती पूछती है कि ऐसी क्या गुरु दक्षिणा आपको चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम अपने महल से सारे जेवरात वगैरह ला लो, पैसा ला लो, हम ऐसे जंगल में जाके गुरु दक्षिणा लेंगे। तो गुरु दक्षिणा जब लेंगे वो सब जेवरात वगैरह उसके बातों में आके गुरु दक्षिणा लेके चलती है उसके साथ में। जैसे वो जंगल में पहुंचती है तो वो क्या करता है, उसको बोलता है कि उसको एक पेड़ से बांध देता है और पूरे जेवरात पैसे लेके वहां से चला जाता है। जाते समय ये उसको ये बोलता है कि तुम ये बंधन तब तक नहीं खोलना जब तक मैं ना आ जाऊं, मैं ही आके उस बंधन को खोलूंगा। अभी फिर क्या हो जाता है, एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं। हाँ सब लोग ध्यान से सुनना, मैं कुछ पूछूंगा इसके बारे में। 2 दिन बीत जाते हैं। यहाँ पे भगवान की भक्त जो रहती है वैराग्यवती, वो इतनी भक्ति भाव वाली रहती है, कंसिस्टेंसी के साथ में वो अपना काम कर देती। तो वहां पे भगवान का आसन भी डोलने लग जाता है कि आपके भक्त को बांध के रखा, आप कुछ कीजिए प्रभु। तो वहां पे प्रभु क्या करते हैं, नारद जी को भेजते हैं धरती लोक पे। और जैसे वो नारद जी पूछते कि मैं वैराग्यवती मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मतलब खोल देता हूँ ताकि तुम छूट जाओ। लेकिन वैराग्यवती बोलती है कि मैं आपसे नहीं बंधन खोल सकती क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है कि मैं ही आके खोलूंगा। तब इनसे नारद जी से तो कुछ मानते नहीं है। फिर भगवान स्वयं नारद जी भगवान के पास बोलते ऐसी ऐसी कहानी है। अब वैराग्यवती नहीं मान रही है और बांध के रख भी नहीं सकते क्योंकि वो आपकी भक्त है। ऐसी मुसीबत में तो फिर भगवान स्वयं वहां पे आते हैं। भगवान बोलते हैं कि आओ वैराग्यवती, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भगवान को भी वो वैराग्यवती का वही आंसर देता है कि आप भी मुझे छोड़ नहीं सकते। फिर भगवान को भी प्रश्न आ जाता है कि ऐसा क्या है कि वैराग्यवती हमसे ये बंधन नहीं छुड़वाना चाहती है। तब वैराग्यवती बोलती है वही बोलती है कि मेरे गुरु ही आके मुझे वो छुड़वाएंगे। फिर सब पता चल जाता है कि गुरु तो मतलब वो जो भी आदमी था वो तो चोर था, पैसे लेके निकल गया है ना। तो फिर राजा को भी ये बात पता चल जाती है, पहले राजा आ जाता है, राजा से भी वो नहीं बंधन खुलवाती है। राजा भी उसको बहुत समझाता है कि वैराग्यवती बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो पैसे के लिए आया था, पैसे लेके चला गया, लेकिन वैराग्यवती नहीं मानती है। फिर भगवान नारद जी को बोलते हैं कि आप ही वो आदमी को ढूंढ के लाओ और वही इसको खोलेगा, वो कहीं और अपने फिराक में रहता है, वो उसको पकड़ के लाते हैं नारद जी और उसको बोलते हैं कि आप बंधन छुड़वाइए, तब जाके वो वैराग्यवती का बंधन छुड़वाता है। फिर आप मुझे सब यहाँ पे ये स्टोरी एक पॉज है इस स्टोरी में। अब वैराग्यवती का जब बंधन छूट जाता है तो आप सबको क्या लगता है कि वो सबसे पहले किसके पाँव छूती होंगी? कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप सबको क्या लगता है कि किसके गुरु बोल रही है कि सबने बड़े मन लगा के पढ़ी सुनिए कहानी है ना गुरु। अच्छा मुझे ये बताइए कि गुरु के पाँव छूते, लेकिन वैराग्यवती तो भक्ति भाव वाली थी है ना। वो नेटवर्क का इशू हो सकता है चंद्रकला, इसलिए आपको बीच बीच में आवाज नहीं आई। लेकिन क्या होता है कहानी ऐसी है गुरु की ही पाँव छूती है। क्यों छूती है? क्योंकि उसको पता, वो क्या बोलती है, उनका एक ही कहना था कि लोग लगा दे, भगवान के लिए लोग लगा देते हैं, उस भगवान को मेरे गुरु की क्या में मुझे ये 2 दिन में बोलो मुझे मिल गए हैं है ना। तो इसलिए वो सबसे पहले गुरु के पाँव छूती है। तो इस स्टोरी, ये हमारी स्टोरी थी, इस स्टोरी के हिसाब से फिर क्या होता है वो खुलवा देते हैं और वैराग्यवती अपने राजा वैराग्यवती को लेके अपने महल चले आता है। तो ये स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी समरी हम देखेंगे कि वैराग्यवती ने क्या किया था अपने रिस्पेक्ट, मतलब मेंटर की रिस्पेक्ट, जो वैराग्यवती भली वो कोई भी था इंसान, उसकी बात को, हाँ गुरु उसको छुड़ा कर लाए, गुरु ने छुड़ाया उसको। उसके बाद में क्या होता है, हाँ तो वैराग्यवती क्या होती है कि गुरु के जो भी गुरु ने बोला जब तक आऊंगा तब तक। शेखर जी 2 मिनट अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए सो दैट वी कैन हियर यू बेटर। ओके ओके मैम, हेलो, हाँ वॉइस आ रही है आवाज बिल्कुल ओके मैम, आवाज हाँ क्लियर है सर ओके। तो हमने ये सब स्टोरी सुनी है ना, स्टोरीज के माध्यम से हम समरी देख लेते हैं कि क्या होता है कि वैराग्यवती जो होती है अपने गुरु की रिस्पेक्ट करती है और उन्होंने जो बोला है उसको फॉलो करती है। तो उनको जो साल भर वो, मतलब वो बचपन से गुरु के भजन गाती थी तब तक उनको भगवान नहीं मिले थे, लेकिन गुरु की बात मानने से उनको 2 दिन में भगवान मिल गए है ना। फॉलो, जैसे हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि फॉलो पाथ, जैसे गुरु ने बोला है अगर वो वैसे ही करते हैं तो अपने लाइफ में 100% हम अपना पाथ को, अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। गिव 100% विद कंसिस्टेंसी। यहाँ पे क्यों बोला है कि देखो वहां पे वैराग्यवती के सामने उसके पापा, मतलब महाराज भी आए थे, नारद जी भी आए थे, भगवान भी आए थे, लेकिन उनके हाथ से उन्होंने खुलवाया बंधन। वो भक्ति भाव में भी इतना लीन रहती थी कि भगवान को भी वहां पे आना पड़ा उनको छुड़वाने के लिए। वैसे ही ये आज का हमारा टॉपिक था। लेकिन उसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे तृप्ति मैम हमें डेली टॉपिक्स देती है, वो टॉपिक्स के अंदर इतनी सारी बातें रहती है कि अगर हम यहाँ पे जो पब्लिक स्पीकर बनने आए हैं अपने, तो वो टॉपिक्स को कैसे कवर अप करना, हर पॉइंट्स में कुछ ना कुछ देती है तृप्ति मैम। तो देखते हैं हम आगे। हमें जो डेली टॉपिक्स देती है तृप्ति मैम, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, व्हाई वी आर नॉट रिकॉर्ड 2 मिनट डेली वीडियो है ना। ये मैं कहना चाहता हूँ कि तृप्ति मैम जो डेली हमें रिकॉर्ड टॉपिक देती है, टॉपिक से क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या हम अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सबसे पहले अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना आता है कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने की, उतना हम उसमें फ्लुएंट होंगे और अच्छी तरीके से हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव होता है। जैसे जैसे आप जितना उसकी चीज की प्रैक्टिस करते हो उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। फिर इंटरेक्शन विद कैमरा, एक्सप्रेशन, पोस्चर, ये सब चीजें हमें डेली जब हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, भले वो 2 मिनट का क्यों ना हो, उससे ये सब चीजें इम्पैक्ट करती है। उसके साथ में आपकी वॉइस की टोनैलिटी भी इम्प्रूव होती है। जितना आप रिकॉर्ड करोगे उतना एनवायरमेंट में आप रहोगे, उतनी आपकी वॉइस की टोनैलिटी भी इम्प्रूव होगी। उसके बाद में आपकी वोकल स्पीच का साउंड भी अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपकी वॉइस में और कॉन्विक्शन भी बढ़ेगा और वॉइस की क्लैरिटी भी आपकी इम्प्रूव होंगी इन सब चीजों से। फिर हम देखते हैं कि आप अगर ये सब चीजें फॉलो करते हो अपने लाइफ में तो आपका गोल 100% आप अचीव कर सकते हैं, जो कि आपका सब लोग है पब्लिक स्पीकर बनने या अपने लाइफ में अच्छे स्पीकर बनने के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमें डेली अपने गोल्स के लिए एक रिमाइंड हमें अपने आप को देना है। सुबह उठते से सबसे पहले हमें ये बोलना है कि What I will do today that will bring me closer to my goal। अगर आप ये सुबह बोल देते हो ना जैसे उठते हो, तो आपको ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सबसे पहले पता के काम करना है। और रात को सोने से पहले आपको ये चीज करना है कि I do what I committed इन मॉर्निंग, मतलब मैंने सुबह ऐसा क्या मैंने सुबह जो सेट किया था वो मैंने दिन भर में किया कि नहीं। अगर ये सब चीजें आप देखो तो अपने लाइफ में गोल को 100% अचीव कर सकते हो। साथ साथ हमें कंसिस्टेंसी के साथ में 1% ग्रोथ रखना है डेली, तभी हम अपने गोल को स्मार्ट वे से ट्रैक कर पाएंगे अपने टाइम और अच्छे तरीके से हम अपने गोल के करीब पहुंच सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने टाइम देने के लिए थैंक यू एवरीवन। थैंक यू तृप्ति मैम, थैंक यू सो मच शेखर जी, थैंक यू सो मच। MPTY टू शेखर सर, बहुत अच्छे से उन्होंने स्टोरी के माध्यम से हमें बहुत अच्छे से समझाया। शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क कम ज्यादा रहता है मैम। कोई बात नहीं सर, नेटवर्क इशू होता ही रहता है सभी के साथ, मेरे साथ भी रहता है। आजकल नेटवर्क वैसे ही ज्यादा ग्लिच करता है, कोई बात नहीं। वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, बट मेन थिंग इज प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छे से क्रैप किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। वंडरफुल इफेक्ट, बहुत यस अमित जी, थैंक यू सो मच सर। यस अमित जी, देखिए किसी के साथ भी होता है, बताई थी हमें, मैंने कैनवा से ही आज सुबह ही उसको क्रिएट किया है। रॉ डेटा मेरे पास बना हुआ था लेकिन वो पीपीटी अपने माइक्रोसॉफ्ट में बनी थी, उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा था उससे, इसलिए मैंने आज सुबह ही उस कैनवा पे किया है। संदीप जी, संदीप सर मैंने कैनवा पे बनाई है आज की पीपीटी। यस मैम, वर्षा मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे का सेशन। यस, थैंक यू सो मच शेखर जी फॉर अंडरस्टैंडिंग। नेटवर्क इशू किसी के साथ भी हो सकता है। यस, नाउ वी हैव अमित मिश्रा जी, कहाँ गए? यस यस अमित सर, one more time please welcome अमित जी। अमित शाह को बोलो नेटवर्क इशू है। जस्ट लेट मी अनम्यूट यू। यस मैम, नेटवर्क इशू नहीं था मैम, पता नहीं क्या हुआ, कट गया तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, मैं भी आउट हो जाती हूँ सर, कई बार मीटिंग से कुछ नहीं होता, हो जाता है ऐसा कभी कभी, तभी दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती हूँ मैं हमेशा की गड़बड़ हो ही जाती है। नो प्रॉब्लम, जस्ट कैरी ऑन। वन मोर टाइम लेट्स वेलकम अमित सर फॉर हिज प्रेजेंटेशन एंड thank you so much for typing MPTY for Shekhar ji, a wonderful presentation by him. So welcome Amit ji. Yes ma'am, thank you so much to all of you. तो दोस्तों हम पहुंचे थे कि कैन मैट गिव अस हैप्पीनेस, कैन मनी गिव अस हैप्पीनेस, क्या हमारा जो पैसा है वो क्या हमें खुशियां दे सकता है। तो कितने लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में बताना चाहेंगे कि हमारा जो पैसा होता है वो हमें खुशी देता है या क्या देता है, उन लोगों की क्या राय है मैं जानना चाहूंगा। सो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि हमारा पैसा जो है वो हमें क्या देता है, हैप्पीनेस दे पाता है या नहीं। ओके, सुरेश शिंदे सर कह रहे हैं यस, शुभम जी कह रहे हैं यस, अनिल सालवी सर कह रहे हैं यस, मुकुल गुप्ता सर कह रहे हैं यस। सो एब्सोल्युटली यू आर राइट, कहीं ना कहीं आप सब सही हैं, बट मेरे हिसाब से जो है वो है कि मनी जो हमारा है वो हमें खुशी नहीं देता है, क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो पैसा है वो न्यूट्रल है, वो कोई काम नहीं करता है। वो जहां आप रखते हो, जैसे मान लीजिए आप अपने बैंक में पैसा रखते हो तो आपको खुशी नहीं देता है, 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, लाख रुपया हो, आपके पास जो पैसा होता है वो आपको खुशी नहीं दे पाता है। लेकिन अगर हम बात करें उस पैसे से खरीदे हुए वस्तुओं को देखते हैं या घर पे लाते हैं या बच्चों को हम रेस्टोरेंट पे लेके जाते हैं, तो उन पैसे से अगर हम कोई चीज खरीदते हैं या बच्चों को डिनर कराते हैं या पार्टी देते हैं तो उससे वो खुशियों को हासिल किया जा सकता है। सो वहां पे ये हमारा हैप्पीनेस क्रिएट होता है पैसे से, ना कि सामान से क्रिएट होता है। जो हम शॉपिंग करते हैं उससे हमें खुशियां क्रिएट होती हैं हमारी लाइफ में, ना कि पैसों से। सो हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि इज मनी हैप्पी और अनहैप्पी, हमारा जो पैसा होता है क्या वो खुशी वाला पैसा है या दुख वाला पैसा है, इसको हम कैसे पहचानते हैं आज जानने की कोशिश करेंगे। सो जो अनहैप्पी मनी होता है उसमें नॉट डिलीवरिंग वैल्यू, वहां पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है। जो हमारा अनहैप्पी दुख वाला पैसा होता है वहां किसी तरह का वैल्यू क्रिएट नहीं होता है। जैसे हम किसी की लाइफ में कुछ चीज क्रिएट करें और वहां पे उनको उस पैसे से खुशी ना मिले तो वो हमारे उनके लिए वैल्यूएबल नहीं होता है। और सेकंड थिंग आता है कि जो चोरी करते हैं, चोरी करके पैसा अर्निंग किया जाता है तो वहां से हमें खुशी वाला पैसा नहीं अर्जित होता है या वो पैसा खुश नहीं होता है हमारे साथ में। और थर्ड है कि जो लॉटरी करते हैं, लॉटरी में लगाते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, वो अनहैप्पी मनी होता है, क्योंकि किसी के ना किसी के घर से वो पैसा आता है और उनका लॉस हुआ रहता है तो उनको दुख लगता है। तो वो दुख का पैसा हमारे पास आता है तो वो हमारे पास रह करके खुशी महसूस नहीं करता है बिल्कुल भी। और नेक्स्ट आता है हमारा जो गैम्बलिंग, कभी हम गैम्बलिंग करके या 4-6 लोग इकट्ठा होकर के एक दूसरे के छीना झपटी कर लेते हैं, फिर उन लोगों से जो पैसा हम लोग लेते हैं या कोई धन संपत्ति उनका छीनते हैं, वहां से हमको खुशियों वाला पैसा नहीं मिलता है। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम अपने हैप्पी मनी को क्रिएट कर सके, ऐसा काम करना चाहिए। इनहेरिटेज, जिसमें हम खुशी बिल्कुल नहीं महसूस कर सकते हैं और या किसी को दुख दे करके हम पैसा कमाते हैं, वो हमारे लिए अनहैप्पी मनी होता है। सो हैप्पी मनी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से क्रिएट होती है कि पॉजिटिव इंटेंशन, हमेशा पैसा जो खुशियों वाला होता है उसको कमाने के लिए हमेशा हमारा जो इंटेंशन हो वो हमेशा पॉजिटिव हो पैसों को लेकर के, तो वो पैसा जो है हमारी लाइफ में हमेशा खुशियां देता है और खुशियों को बरकरार रखता है हमारी जिंदगी में। और नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे जिंदगी में हैप्पी मनी का सबसे बड़ा रोल है एडिंग वैल्यू। पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपके जिंदगी में या जिसके साथ आप कोई चीज डील कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में उस पैसे से कई गुना उनको खुशी या कुछ ऐसा वैल्यूएबल पोजीशन ऐड कर दीजिए कि वहां से उनको खुशियां मिले। जो 10 रुपए जहां लगा रहा है उसको 100 रुपए का बेनिफिट मिले, तो वो खुशी जो आप सामने वाले को दे पाएंगे, वहां से उनकी खुशी के माध्यम से आप उस पैसे के माध्यम से उसके बदले में जो आप पैसा अर्जित करते हैं या अर्न करते हैं, तो वो वहां से हैप्पीनेस लेकर के आता है, क्योंकि आप उनको एडिशनल वैल्यू दे रहे हैं। तो वहां से आप खुशियों वाला पैसा अर्जित कर सकते हैं। और यहाँ पे मेकिंग समवन लाइफ बेटर, अगर आप उन पैसों के माध्यम से किसी की जिंदगी में जिंदगी को बेटर बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, तो वो भी पैसा आपका हैप्पी मनी होता है, जिसके माध्यम से आप भी हैप्पी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हैप्पी हो सकती है, और आपका पैसा भी हैप्पी होकर के आपके घर में रहेगा और सामने वाले को भी हैप्पी रखेगा। सो दोस्तों, पैसा ही एक ऐसा चीज है जो इंसान का वैल्यू चेंज कर देता है। मनी इज इक्वल टू एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ह्यूमन। यहाँ पे मैंने दर्शाया है कि एक जो पैसा होता है वो इंसान की वैल्यू को धीरे धीरे बदल देता है और समय अनुसार वो बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ वे हाउ टू मेक हैप्पी मनी। यहाँ इस दुनिया में बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहां से हैप्पी मनी कमाया जा सकता है, ना कि वही रास्ते हैं जहां से चोरी की जाए या रॉबरी की जाए या फिर लॉटरी से किया जाए, वही रास्ते नहीं है। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहां से हम हैप्पी मनी अर्जित कर सकते हैं, जिसमें से हमारे पास मेजरली 2 रास्ते बहुत प्यारे हैं प्रेजेंट में। एक है रियल एस्टेट से, जहां से आप अच्छा पैसा, हेल्दी पैसा कमा सकते हैं। आप जब किसी को घर दिलाते हैं तो वो उस घर में एंट्री करने के लिए जब खुश होता है या उस घर को, नए घर को खरीदता है, उसकी खुशियां जो होती हैं वो कई गुना होती हैं। तो वहां से जो पैसा आपको मिलता है एज ए आपका जो वहां पे मेजरमेंट होगा, आपने सेट करके रखा होगा कितना % हमारा मार्जिन निकाल करके मुझे मिले, वो इंसान आपको खुशी देता है कि भाई इसके बदले में मुझे मकान दे रहा है। तो वहां से आप जो पैसा कमाते हैं वो आपको खुश रखता है और आपकी फैमिली को भी हैप्पीनेस देता है। और सेकेंड है, आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी मार्केट है जहां पे सब लोग हैप्पी मनी अर्न कर रहे हैं। जैसे कि आप बीट लगाते हैं, अभी आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे, बस यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम किसी को जानते नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे कि कौन कॉइन बेच रहा है या कौन डिजिटल करेंसी सेल कर रहा है, लेकिन जो बेच रहा है वो भी अपनी खुशी से बेचता है। खुशी इन द सेंस कि वो अपने मनचाहे रेट पे सामान को बेचता है और हमको जो रेट पसंद आता है हम उस रेट से खरीदते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक दूसरे की मनोभावना को पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ डील करते हैं, वो खुशी होता है, जिसकी वजह से हमें हमारे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हमारे घर में पैसे खुशी आते हैं। तो ये होता है, हमारे 2 रास्ते हैं। यहाँ पे मैंने एक रियल एस्टेट का प्रोग्राम रखा है जो मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा कभी। देखिए, जरूरत के हिसाब से समय भी बदलता है और समय के अनुसार से पैसे भी बदलते चले गए हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम हो गया है लगभग। तो मैं जस्ट इंडिकेट करना चाहूंगा कि समय के अनुसार पैसे की कीमत या पैसे का वैल्यू या उसके तरीके का पैसे का तरीका बदलता चला गया है। सबसे पहले बार्टर था, सामान के बदले सामान की लेन देन की प्रथा थी पुराने समय में। फिर उसके बाद क्वाइन सिक्के आ गए, सोने के सिक्के आए थे, फिर उनकी वैल्यू कहीं घट ना जाए इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए लोगों ने एक्सचेंज किया। अब नोट में चेंज हुआ, नोट से फिर चेक में आए, चेक से फिर प्लास्टिक मनी में, प्लास्टिक कार्ड में आ गए हम लोग, और प्लास्टिक कार्ड से फिर ऑनलाइन पे गए, ऑनलाइन से होते हुए मोबाइल पेमेंट में आ गए, और मोबाइल पेमेंट के बाद अब आज आ गया है डिजिटल करेंसी, जो कि CBDC नाम से हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी लॉन्च की है। पिछले 1 महीने हो गए CBDC के नाम से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है, जो कि आप क्रिप्टो करेंसी के रूप में उसे देख सकते हैं और उसकी वैल्यू भी आप एडिशनल कर सकते हैं अपने अकाउंट के बराबर। जो आपका अकाउंट है फाइनेंशियल मेंटेन रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपका फाइनेंस होता रहेगा, मेंटेन रहेगा। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहेंगे। क्रिप्टो मतलब होता है छिपा हुआ और करेंसी मतलब होता है धन या रुपया। तो यहाँ पे छिपा हुआ पैसा होता है क्रिप्टो करेंसी, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाकी हाथ में छू नहीं सकते हैं। जर्नी या क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की जर्नी 2008 में स्टार्ट हुई, जो कि बिटकॉइन के नाम से यहाँ पे प्रचलित हुआ। इसका नाम जो था बिटकॉइन के नाम से लॉन्च किया गया था। जर्मनी के रहने वाले हैं जिनका नाम है सतोशी नाकामोतो, जिन्हें आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति देख नहीं पाया है। अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक बूढ़े व्यक्ति का फोटो आता है, जबकि वो रियल नहीं है, उनकी रियल फोटो नहीं है और आज तक कोई सतोशी नाकामोतो के बारे में कुछ नहीं जानता है। और आज बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो कि मदर करेंसी है क्रिप्टो करेंसी की, और दुनिया के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता हो। हर एक व्यक्ति के मुंह पे बिटकॉइन, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के नाम लोगे तो सबसे पहले बिटकॉइन का ही नाम आता है लोगों के दिमाग में, तो और जुबान पे भी उनके आता है सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी पे बिटकॉइन का ही नाम। तो ये सतोशी नाकामोतो जी ने बनाया है, जो कि एक ब्लॉकचेन सिस्टम पे है जहां पे आप किसी तरह का डेटा, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि बिटकॉइन ये ब्लॉकचेन क्या होता है। तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है ये आपको ब्लॉकचेन सिस्टम पे मिलेगा। यहाँ पे है व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रणाली है जहां पे आपके सारे डेटा संरक्षित किए जाते हैं। इन फ्यूचर अगर आप किसी चीज को लेकर के ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर के और एमएलएम सिस्टम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी दी जाती है जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को एक दूसरे के साथ बिना किसी शक और सवाल के साझा कर सकते हैं। और ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रणाली है जहां हम अपना कोई डेटा एक बार एडिट करते हैं तो उस पे ना तो कंपनी के मालिक का, ना तो ब्लॉकचेन के किसी अधिकारी का कोई हक होता है कि दोबारा वो एडिट या डिलीट या उसमें कोई हैकिंग का सिस्टम नहीं कर सकता है। तो ब्लॉकचेन बहुत पावरफुल है, जो कि हमारे आज करंट सिनेरियो में देखा जाए तो पुलिस चौकी या पुलिस डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में आ रहा है, और भी बहुत सारी जो हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, उनके सेक्टर में भी ब्लॉकचेन काम करने वाला है। बहुत ही जल्द आप सभी देखने वाले हैं ये हर चीज ब्लॉकचेन सिस्टम पे होने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन दो तरीके से काम करता है, एक प्रूफ ऑफ वर्क और दूसरा है प्रूफ ऑफ स्टैक। यहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही बात करेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। प्रूफ ऑफ वर्क होता है कि हम जो क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं या इनके लिए हम जो काम करते हैं उनके लिए हमें पूरा सेटअप बैठाना होता है। कंप्यूटर हो गया, एसी हो गया, लाइट कंजप्शन हो गया, इन सब चीजों में जो काम करना और ये सारे सामान चाहिए होते हैं, इनको हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। और प्रूफ ऑफ स्टैक बोलते हैं कि सारा सजा सजाया प्लेटफॉर्म मिलता है हमको, बस हमें क्वाइन वहां पर ले जाकर के, क्रिप्टो करेंसी को ले जाकर के वहां पे सेटअप करना रहता है, और हमें अपने इच्छा अनुसार वहां पे जो पैकेज होता है उन लोगों का उसके हिसाब से हमें सेट करना होता है, उसके हिसाब से हमें पर मंथ अर्निंग होती है। तो यहाँ पे दोनों तरीके हैं। और यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है वो तीन तरीके से काम करती है। सबसे पहला है जो कि दुनिया के हर एक व्यक्ति जानते हैं और जानते हुए भी लोग डरते हैं, और सही बात है कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग एक ऐसी प्रणाली है जहां पे लोग जानकारी ना होने की वजह से अपना पैसा गंवा देते हैं। अपना पैसा गंवाने का मतलब यही है कि वो वहां पे लगाते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होती कौन से प्रोडक्ट पे या कौन से क्वाइन पे या कौन से डिजिटल करेंसी पे हमें आज बीट लगाना है जिससे हम वहां से पैसा अर्न कर सके। इसकी पूरी जानकारी, पूरा सेटअप बैठाना होता है। तो पूरा सेटअप इन द सेंस, आज की डेट में अगर क्रिप्टो करेंसी में छोटी से छोटी क्वाइन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खर्चा 23 से 24 लाख आएगा स्टार्टअप, जो कि एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग यहाँ से इन्वेस्ट करके पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए अभी जो करंट सिनेरियो, जो थर्ड जनरेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मिंग सिस्टम लाया गया है, जिसमें केवल दो एप्लीकेशन के माध्यम से फार्मिंग सिस्टम से, जैसे कि हम लोग पहले किसानी करते थे फिजिकली खेतों में, वहां पे तीन तरह की खेती पैदा करते थे हम लोग, उसी तरह से यहाँ पे हम 12 खेती पैदा करके हमको अपना क्वाइन मिलता है, और उस क्वाइन की कीमत क्या होती है मार्केट में, उसके माध्यम से हम पैसा अर्न करते हैं। पर बर्लिन सिटी से रहने वाले हैं, बर्लिन सिटी के रहने वाले हैं, वहां की कैपिटल है बर्लिन, और ये कंपनी जो है प्लेटिन वर्ल्ड के नाम से रजिस्टर्ड है। और इस कंपनी का जो एचओ है, हेड ऑफिस है, वो है दुबई में। सो दोस्तों मैं वहां पे गया भी हूँ, अभी 3 तारीख को मुझे जाना भी है, इसी 3 तारीख को मार्च में फिर से वहाँ पे कन्वेंशन है दुबई का। अमित जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर पर्सनल रिकमेंडेशन, सो आई विल नॉट अलाउ दैट, प्लीज। ओके मैम, आपको अवेयर करना था, दैट वाज ओके, बट आप पर्सनल रिकमेंडेशंस नहीं देंगे बिल्कुल भी, दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म सूटेबल फॉर दैट। ओके मैम, Please mind it. Okay. और यहाँ पे है, इसमें सर्विसेज होती हैं जिसमें से वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। जो पीएलसी में है वहां पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अनदर कॉइन में भी वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट लगता है। मिनिमम चार्जेस चांसेस ऑफ लॉसेस है पीएलसी अल्टीमा में। अदर कॉइन में हाई रिस्क होता है क्योंकि वहां पे आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका लॉस बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो पीएलसी अल्टीमा है यहाँ पे आपका 95% जो रिस्क चांस है वो कम हो जाता है, जबकि अदर कॉइन में आप जाते हैं तो वहां पे आपको 95% रिस्क होता ही होता है। यहाँ पे आप पीएलसी में आप 12 तरह की इनकम 12 महीने में कमा सकते हैं, जबकि अदर कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अदर कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे केवल वन टाइम इन्वेस्ट करेंगे और वन टाइम ही प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो वन टाइम ही होने वाला है। और पीएलसी अल्टीमा में जो है वो टाइम टू टाइम, डेट टू डेट आपको पर मंथ जो इनकम होती है वो मिलती है। यहाँ पे कुछ यस मैम, यस वी हैव टू स्टॉप हियर, आई एम सॉरी। Yes, ma'am. Yes, Amit Mishra, you are doing a very good job. लेकिन समझिए ये प्लेटफॉर्म yes, ma'am. Yes, sir, समझिए. और of course you are doing a very good job. Thank you so much to all of you. Yeah. So Amit Mishra जो प्लान बता रहे हैं ये उनका बिजनेस है और ट्रेनर्स गुरुकुल कोई भी तरीके से ये जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये आप अपने समझ के अनुसार करिएगा। यस और अमित मिश्रा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर में फोकस मत करिए, आपका जो स्किल है उसको डेवलप करिए, फिर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे मार्केट में और आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे। आपका जो स्किल है वो इम्पोर्टेंट है। आज सोनू शर्मा भी कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में काम, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कंपनी बदल भी देंगे तो कंपनी को फर्क पड़ेगा, सोनू शर्मा को फर्क नहीं पड़ेगा। ये लेवल अपना लेकर आ सकता है हर कोई व्यक्ति और उम्मीद है आप भी ऐसा ही कुछ करोगे जिससे आपका ब्रांड नेम ऊपर जाए, ना कि प्रोडक्ट ऊपर जाए। ये मैंने देखा है हर्बल लाइफ में, देखा है बहुत सारे जो करते हैं नेटवर्किंग उसके अंदर देखा है, वो प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं। प्रोडक्ट को हाईलाइट मत करिए। यस अमित मिश्रा कहने का मतलब मेरा ये है, आप अपने नाम को ऊपर लेकर जाइए, ब्रांड इमेज आपकी बनना चाहिए, ना कि कंपनी की या कोई प्रोडक्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री के अंदर में जिसमें आप काम कर रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट बंद हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, अमित मिश्रा बंद नहीं हो सकता है। यस और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, मैंने पहले ही बोला था मैं ध्यान दूंगा, समझूंगा। और सबसे पहले सभी लोग PTY टू अमित मिश्रा टाइप करेंगे। जज्बा लगता है, ईमानदारी के साथ मेहनत करना पड़ता है, कोई मजाक बात नहीं है। यस सो MPTY टू अमित सर सभी लोग टाइप करेंगे, MPTY अमित जी। और ये क्यों बोलना पड़ रहा है अमित जी, पता है कि आपका प्रोडक्ट हो सकता है बहुत बढ़िया हो, लेकिन अर्ली हमने देखा है कि लोगों ने मिसयूज किया है, एक दूसरे को इतना पिच करा है, फोन कॉल करते हैं लोग अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं बना है, ये प्लेटफॉर्म बना है आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। बाकी जितने भी स्किल्स हैं उसको आप इम्प्रूव करो और जब मार्केट में जाओगे तो एक नया वर्जन 2.0 अपना लेकर जाइए। हमारी दुआएं, हमारा साथ, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। और आपने कोई गलती नहीं करी अमित जी, डोंट ये अपने ऊपर पर्सनल मत लीजिएगा। यस पर्सनल मत लीजिएगा, मेरे पूरी वो है आपके साथ में, दुआएं है और ब्लेसिंग्स है, गुड विशेस है, सब कुछ है और पूरी कम्युनिटी आपके साथ में। सभी लोग हैं अमित मिश्रा के साथ में। यस ईच एंड एवरी वन। यस और बहुत अच्छा काम कर रहे हो अमित जी आप, भगवान आपको सफलता दे और बहुत ऊंचे शिखर तक के आप पहुंचे, सोनू शर्मा और उससे भी ऊपर के शिखर आपको मिल पाए, यही शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू सर। प्लीज यस सर, सर्टेनली हमारी यही ब्लेसिंग्स और यही विशेष सर आपके लिए। आप अपने बिजनेस में बहुत ग्रो करें, बस इतनी सी बात है। दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट सुटेबल फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशंस, सो आप अवेयर कीजिए चीजों के बारे में, लेकिन जैसे कि सर ने कहा बिल्कुल हमें अपना पर्सनल ब्रांड बनना है, अपने आप को आगे लेकर जाना है, फिर आप जिस भी प्रोडक्ट के साथ एंडोर्समेंट करेंगे वो प्रोडक्ट आपके पीछे चलेगा, आपको प्रोडक्ट के पीछे नहीं छुपना पड़ेगा। दैट इज द वे वी आर गोइंग टू मूव अहेड। हमें खुद को आगे रखना है और खुद को ही अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है. नंबर 1 थिंग इज दैट. फिर उसके बाद जौन सा भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको आप एंडोर्स कर सकते हैं और जिस भी चीज से आपको मिल रहा है, जो भी बिजनेस मिल रहा है या वो मिल रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, वो जरूर से आप शेयर कर सकते हैं. माइंडेड प्लेटफॉर्म कौन सा है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. सिर्फ इतनी सी बात, राइट. तो थैंक यू सो मच फॉर योर जेनरस प्रेजेंटेशन. बहुत अच्छे से आपने अपना प्लान, अपना जो भी आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. और यस, क्रिप्टो इज द नेक्स्ट ट्रेंडिंग वर्ल्ड, उसके ऊपर ही चलेगा, तो उसके बारे में अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए हमें सभी को. तो आपने बहुत अच्छे से सभी को अवेयर किया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. यू वांट टू शेयर समथिंग? थैंक यू सो मच मैम. मैं वो पार्ट मैम एक्चुअली ऐड कर चुका था, इसके लिए मैं आगे बढ़ाते जा रहा था. मुझे पता था कि ये चीज मुझे नहीं करनी है, वहाँ पे मैं लास्ट पोजीशन पे ही जा रहा था, उसके लिए सॉरी. और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मैम टोटल क्रिप्टो पे ही जाने वाला है, ब्लॉकचेन पे जाने वाला है, इन द सेंस ब्लॉकचेन पे जाने वाला, क्रिप्टो पे नहीं जाने वाला टोटली. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आखिरी बॉल पे, लास्ट बॉल पे मौके पे चौका लगाने वाला ही प्लेयर कहलाता है, और आपने मौके पे चौका लगाया. आपको पता था ये नहीं बताना यहाँ पर, फिर भी बताया, कोई बात नहीं. लेकिन कैसा लगा आपने जब प्रेजेंटेशन दिया? और जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना परफॉर्मेंस को सुधारते हैं, यस, तो हमारे बिजनेस में भी ग्रोथ होती है, हमारे स्पीकिंग स्किल्स के अंदर में भी ग्रोथ हो रही है. तो कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर. ये जो 10 मिनट का था उसको हम यहाँ से एडिट कर देते हैं, और जो स्टार्टिंग से अभी तक का है उसको हम रिलीज करेंगे, एडिट कर देंगे. हम ये पार्ट को रिकॉर्डिंग है क्योंकि, और हम इसको एडिट कर देंगे. कैसा फील हो रहा है आपको सर? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ पे हम बहुत कुछ सीख सके. आज मुझे पीपीटी बनाने की कला नहीं थी हमारे हाथ में. वर्षा कावरिया मैम का थैंकफुल हूँ मैं, जिन्होंने मुझे पीपीटी बनाया. आज मैं प्रेजेंटेशन किया अपनी पूरी कम्युनिटी के, गुरुकुल ट्रेनर्स गुरुकुल कम्युनिटी के सामने मैं अपना प्रेजेंटेशन दे पाया. मुझे बड़ी खुशी हुई कि तृप्ति मैम जैसी मेरी मेंटर हैं, आकाश सर जैसे मेरे मेंटर हैं, दीपक प्रदीप सर जैसे मेंटर हैं, कि जिनकी संरक्षण में हम रह करके बहुत अच्छा नॉलेज लिए हैं, जो कि 2 महीने का जर्नी था मेरा, और 2 महीने में ही मैंने बहुत कुछ अर्निंग की है. इतना नॉलेज अर्न किया है कि शायद है कि मैं किसी अपनी 35 ईयर के लाइफ में मैंने कहीं से नहीं अर्न किया है, जहाँ मुझे ट्रेनर्स गुरुकुल में जो इतना मिल गया. सो थैंकफुल हूँ मैं पूरे गुरुकुल का, कि जो मुझे इतना कुछ सिखाया है 2 महीनों में. और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि जब तक हो सकेगा मेरे से, मैं इस प्लेटफॉर्म से हमेशा जुड़ा रहूंगा सर. थैंक यू सो मच. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच अमित मिश्रा जी. आपके 2 महीने भी लगभग कंप्लीट होते आ गए, और आपसे भी व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी. सो कंटिन्यू करिए ट्रेनर्स ग्रुप के अंदर में. यस, थोड़ा सा काम है सर, वही निपट जाए बस, उसके बाद आ जाता हूं. ऑफ कोर्स. और कॉन्सेप्ट बेस्ड सेलिंग कैसे हो सकती है बिना प्रोडक्ट बताए, कैसे हम प्रोडक्ट को बेच पाए, इस पे अगर काम करना है तो सेल्स के टॉपिक के ऊपर मैं मूव होने वाला हूँ मैं नेक्स्ट मंथ में, मार्च के मंथ में. यस, बिना प्रोडक्ट बताए हम प्रोडक्ट कैसे बेच पाए सीखना चाहते हैं. यस सर बिल्कुल. उसके ऊपर में भी हम काम करेंगे, क्योंकि हम अपनी बातों को, अपने ट्रस्ट को इस तरीके से पेश करते हैं चीजों को, कि प्रोडक्ट बताने की जरूरत ही ना पड़े और लोग परचेस करने के लिए रेडी हो जाए. बिल्कुल सर, सेल्स अपने आप में बहुत अलग यूनिक स्किल है, और बहुत ही शानदार स्किल है वो. तो उसके ऊपर में करेंगे काम बहुत डीप में. थैंक यू सो मच. तो आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा, ओवरऑल बहुत मजा आया, एंजॉय किया है. और आप लोग रेडी हो जाइए कॉम्पीट करने के लिए ट्रेन द ट्रेनर के पार्टिसिपेंट्स के साथ में. सभी लोग रेडी है? यस सर. T3P के पार्टिसिपेंट्स भी रेडी है? यस. सो एक हेल्दी कंपटीशन आपका वेट कर रहा है नेक्स्ट वीक में. हो सकता है कल के सेशन में हम पब्लिक स्पीकिंग के लोगों को भी अलाउ करें. सो लिंक अगर मिलेगी तो जरूर से आइएगा. कल मॉर्निंग का सेशन अटेंड मिस मत करिएगा. यस, जरूर से अटेंड करिएगा. सो लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आज पार्टिसिपेंट्स का, और उम्मीद है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपके इम्प्रूव होते जा रहे हैं. जो पर्पस था आपका ज्वाइन करने का, मुझे पूरा विश्वास है कि तृप्ति मल्होत्रा मैम आपको पूरी मदद कर रही है आपके गोल्स को अचीव करने में, और आपके अंदर में निखार भी आ रहा है और दिख भी रहा है प्रैक्टिकली. क्योंकि बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज जरूर है, 6-6 महीने लगा देते हैं भाई साहब, हर महीने कोर्स की फीस वसूल करते हैं, और या तो बड़ी फीस रहती है या तो फिर 6-6 महीने 8-8 महीने लगा देते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं. सो यू आर द लकीएस्ट पर्सन. अभी 10:15 हो चुका है. यस तृप्ति मैम, प्लीज. Yes, thank you so much, sir. And thank you so much, Amit ji. Thank you so much, Shekhar ji, and all of the other participants for your active participation. आज जिस script पे आपको काम करवाया गया है, I want videos from all of you in the group. Do you commit to that? Yes, मुझे videos चाहिए और सभी के चाहिए, जरूर से group में सबके videos आने चाहिए. Otherwise, this practice has to be मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा. अगर आप लोग वीडियोस पे काम नहीं करना चाहते, वी विल मूव टू सम अदर थिंग. बट जैसे कि पहले भी बताया है, जितना ज्यादा आप इस पे काम करेंगे, आपका ही सेल्फ ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा उस चीज के अंदर. एंड ऑलरेडी नेक्स्ट वीक के लिए प्रेजेंटेशंस अलाइंड हैं, मेरे पास पीपीटीज आ चुके हैं. पर रेस्ट ऑफ दोस्त जिनके पीपीटीज नहीं आए हैं, अनिल सालवी जी, प्रमोद जी, मुकुल गुप्ता जी, शाकिर अली सर एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, जरूर से अपनी प्रेजेंटेशन जो है पीपीटी जल्दी से भेज दिए, सो दैट वी कैन अलाइन विद योर प्रेजेंटेशंस. और जो प्रैक्टिस चैलेंज अभी दिया है सर ने, होने वाला है, उसके लिए फिर हम लोग अलाइन करते हैं कौन से लोग टीम में रहेंगे. ऑब्वियसली जो अपना नाम प्रपोज करेंगे कि हमें पार्टिसिपेट करना है. वैसे तो मैं चाहूंगी कि हर पर्सन पार्टिसिपेट करे, जितनी ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, जैसे कल भी बताया था, ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म. जितनी आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, उतना ज्यादा आपका पब्लिक स्पीकिंग जो है बढ़ता चला जाएगा, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी. सो ऑन दैट नोट, लेट्स move towards closing of this session. Thank you so much, everyone. Love and respect from whole TRAINER'S GURUKUL community to you all. Thank you so much for your active participation. Good night to you all. Good night, sir. And good night to all of you.